अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एम आई लाउड एंड क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। आज का लेक्चर हमारा जो है ना वो माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन के ऊपर, और आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इन कंटिन्यूएशन विद लेप्रसी हम लगे हाथों माइकोबैक्टीरिया भी डिस्कस कर लें, क्योंकि ये भी काफी इम्पोर्टेंट है और हमारा कंसर्न भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें अक्सर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की कोई ना कोई फॉर्म देखने को मिलती है। जरा थोड़ी सी स्लाइड ज्यादा हैं, आई विल ट्राई टू रन थ्रू द स्लाइड्स, कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी खत्म करूं और मेजर कॉन्सेप्ट रिकॉर्डिंग शुरू कर दिए। अच्छा जी, माइकोबैक्टीरियम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। द टर्म माइकोबैक्टीरियम वाज गिवन इन 1896 टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग मोल्ड लाइक पेलिकल्स व्हेन ग्रोन ऑन लिक्विड मीडियम। तो जिस तरह से फंगस है उस तरह के पेलिकल्स होते हैं लिक्विड मीडियम में। ऑल आर सिलेंडर नॉन मोटाइल एरोबिक, एरोबिक हैं और नॉन एरोबिक नहीं है। नॉन स्पोरिंग रॉड्स विद अ वैक्सीकोट दैट मेक इट रेजिस्टेंट टू मोस्ट स्टेन्स। हाउएवर वंस स्टेन्ड, हाउएवर दे आर नॉट इजिली डीकलराइज्ड, इसी वजह से इनको एसिड फास्ट कहा जाता है। Bacillus can be subdivided into two subgenera, the fast or rapid growers and slow growers, which include most of the pathogens. Renowned group Mycobacteria, the ability to produce pigmentation. Mycobacteria of dermatological interest. Mycobacteria of dermatological interest are slow growers, rapid growers and non-culturable. जो slow growers हैं इसके अंदर maximum number of mycobacteria लाया करते हैं जो human disease करते हैं। इसमें एक photochromatins है। Photochromatins वो हैं जो yellow pigment बनाते हैं इन लाइट, दे प्रोड्यूस येलो पिगमेंटेशन इन ऑन एक्सपोजर टू लाइट, और दीज आर माइकोबैक्टीरियम मैरिनम एंड माइकोबैक्टीरियम कैंडिडाई। फोटोक्रोमोजेंस आर दोज माइकोबैक्टीरिया विच प्रोड्यूस येलो पिगमेंट इन डार्क, दीज आर स्क्रोफोलेशियम एंड सजलगी। बोथ ऑफ दीज ग्रुप्स दे कंप्राइज ऑफ ए टिपिकल माइकोबैक्टीरिया। देन द नॉन क्रोमोजेंस जो विच डू नॉट प्रोड्यूस एनी पिगमेंटेशन, दे इंक्लूड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम एवियम एंड माइकोबैक्टीरियम अल्सरम। तो हमारा जो मेन कंसर्न है, आर मेन कंसर्न इज दिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस विच इज अ नॉन क्रोमोजन एंड अ स्लो ग्रोअर। रैपिड ग्रोअर्स माइकोबैक्टीरिया आर माइकोबैक्टीरियम स्प्लेगमेटस, पोटीटम एंड क्लोनी। एंड नॉन कल्चरेबल, आपको पिछले लेक्चर में बताया था माइकोबैक्टीरियम लेप्री, दैट कैन नॉट बी कल्चर्ड इन एनी आर्टिफिशियल मीडियम। बात पहले बताई, द सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड फास्ट स्टेनिंग प्रॉपर्टीज हैज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। द टिपिकल पेप्टाइडोग्लाइकन बैकबोन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एबर्ट्स ऑन अ टिपिकल फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट मीन्स in comparison with other gram positive mycobacterium there are two type of membranes. ek to peptidoglycan backbone hai jo tamam gram positive mein hoti hai, aur uske upar there is a phospholipid plasma membrane which is actually responsible for the acid fastness which is typical of all mycobacteria. Thodi bahut history, the organism responsible for tuberculosis was identified over 100 years ago. Diagnostic tests were developed about 100 year ago again. The tuberculosis vaccine has been used for over 60 years and chemotherapy for over 40 years. So we know a lot about mycobacteria. Few things which are very typical are regarding the immunology of tuberculosis. There are three major paradoxes.
The first is the latent state. Following an infection, only 5 to 10% of individuals develop a progressive disease. In rest, bacteria remains viable in tissues subclinically infected individuals. These bacteria can be picked up by using PCR. Neutralization of tumor necrotic factor alpha, which is very important as far as the pathogenesis of tuberculosis is concerned, jiska main abhi zikr bhi karunga. Extreme stress and immunosuppression can cause reactivation. Latent phase ye hai ki jab bacteria is jism ke andar dakhil hota hai, to 90% of individuals mein wo bacteria tissue mein viable rehta hai, lekin infection karta nahi. और वो वायबिलिटी हम चेक कर सकते हैं अगर उस टिश्यू की हम पीसीआर करें. और रीएक्टिवेशन उस वक्त होती है उस बैक्टीरिया की जब या तो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इन न्यूट्रलाइज हो जाए, कोई बहुत स्ट्रेसफुल एपिसोड आए या इम्यूनो सप्रेस हो जाए लाइक एचआईवी और अदर इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स. सिर्फ उन कंडीशन में वो रीएक्टिवेट वैसे बैक्टीरिया डिजीज करते हैं, वरना वो लेटेंट स्टेट में रहते चले जाते हैं. और सिर्फ 5 टू 10% इंडिविजुअल्स में प्रोग्रेसिव डिजीज पहले इनोकुलेशन के साथ ही शुरू हो जाती है. सेकंड इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्शन एंड इम्यूनोपैथोलॉजी. प्रोटेक्शन कोरिलेट्स विद अ स्मॉल ट्यूबरकुलिन रिएक्शन सच एज दोज सीन इन रिसिपिएंट ऑफ अ बीसीजी वैक्सीन रादर देन विद अ लार्ज नेक्रोटाइजिंग रिएक्शन. अब अगर आप लोगों को ट्यूबरकुलिन रिएक्शन के बारे में कुछ पता है, ये मॉन्टू टेस्ट के बारे में पता है, तो जनरली मॉन्टू टेस्ट को हम कैटेगराइज करते हैं मुख्तलिफ कैटेगरी में. और जो मैक्सिमम इसका होता है वो होता है 10 मिलीमीटर इन ड्यूरेशन. 10 मिलीमीटर इन ड्यूरेशन हो जाए तो मॉन्टू टेस्ट को पॉजिटिव शुमार किया जाता है. और इसका मतलब ये होता है कि द पर्सन whose Montu test is positive is already immunized by Mycobacterium tuberculosis, either because of a BCG vaccine or because of some bacterial focus jo kabhi bhi dakhil hua hai and it is in either latent or active position. Us surat mein tuberculin test ya Montu test positive hota hai. Agar Montu test positive na Montu test itna positive aa jaye कि वो जगह जहां पे मॉन्टू लगाया है वहां पे स्किन नेक्रोसिस हो जाए, इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर कतन इम्यूनिटी नहीं है और वो नेक्रोटाइजिंग रिएक्शन हो गया है. तो ये एक तरह की मॉन्टू टेस्ट ये भी बताता है कि प्रोटेक्शन है और ये भी बताता है कि इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं है. और क्योंकि मॉन्टू के अंदर भी हमने ट्यूबर बैक्टीरिया तो है, तो वो बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ नो प्रोटेक्शन सवेर किस्म का नेक्रोटाइजिंग रिएक्शन कर सकते. The third, the presence of persisters. ये कौन है? When patients with tuberculosis are treated with conventional antibiotics, most organisms are killed. However, there are persisters who may be biologically distinct from latent bacteria that they are not eliminated by drug or by immune response. वो bacteria generally ये कहा जाता है कि जब आप एंटी टीबी शुरू करते हैं तो विद इन 4 to 6 weeks तमाम बैक्टीरिया मर जाते हैं. लेकिन फिर भी हम जो एंटी टीबी ट्रीटमेंट है वो 6 मंथ तक देते हैं. रीजन आर दीज परसिस्टर्स. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं विच आर बायोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नॉर्मल बैक्टीरिया कि विच आर नॉट इजिली इलिमिनेटेड बाई ड्रग्स और इम्यून रिस्पॉन्स. That's why the treatment is continued for 6 months. अगर नहीं करेंगे तो relapse हो जाएगी. तो ये समझिए कि हम जो 6 महीने का treatment एंटी टीबी ट्रीटमेंट देते हैं, ये वो small percentage of persisters के लिए है जो हमारा ख्याल है कि ये रह जाएगी even if we treat with proper drugs. वरना maximum जो Mycobacterium tuberculosis है वो 4 to 6 weeks ऑफ ट्रीटमेंट के बाद मर जाते. ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा का क्या रोल है ट्यूबरक्लोसिस में? इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 12 कंट्रोल माइकोबैक्टीरिया थ्रू द अप रेगुलेशन ऑफ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा.
ह्यूमन नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा अपग्रेड होता है और उसकी वजह से इंटरफ्यूरॉन गैमा और इंटरल्यूकिन 12 सेक्रीट होता है विच इज मेड प्रीडोमिनेंटली बाय मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। और ये सारे जो साइटोकाइंस हैं ये TH1 इम्यून रिस्पॉन्स के हैं, ये याद रखिए। TH1 इम्यून रिस्पॉन्स सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। द क्रिटिकल रोल ऑफ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इन कंट्रोलिंग द इंटरसेलुलर इन्फेक्शन इज मेड क्लियर बाय द फैक्ट दैट इन ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा ब्लॉकिंग एजेंट्स सच एज इन्फ्लिक्सिमैब एंड एडिलिमिबैब एंड सॉल्युबल रिसेप्टर एटेनोसेप्ट lead to relatively high rates of active tuberculosis in those who have latent infection. Yahi wajah hai ki jab hum biological treatment shuru karte hain, waise to rule ye tamam biological mein hai, lekin kyunki ye tumor necrotic alpha specific ye drugs hain to inme to zyada important hai ki aap TB ka koi reliable test kare taki ye determine kar le ki patient ko even latent tuberculosis to nahi hai, वरना देर आर मेनी चांसेस कि वो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा हैज अ प्रोटेक्टिव रोल इन ट्यूबरक्लोसिस, और ये प्रोटेक्टिव रोल जब लूज होता है तो फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो लेटेंट फेज में मौजूद है, मैंने आपको बताया कि 90% ऑफ द बैक्टीरिया लेटेंट फेज में होगा, तो लेटेंट फेज वाला बैक्टीरिया एक्टिवेट होके टीबी कर सकता है। सॉरी सर फॉर इंटरप्शन, आई हैव अ क्वेश्चन। करो। सर अगर हम लोग जो है ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं लेकिन साथ में जो है हम उसको एटीटी भी दें तो एटीटी क्यों देते हैं आप? अगर आपको आप पहले टेस्ट कराएं, अगर तो उसका टेस्ट में टीबी पॉजिटिव आ गई तो फिर तो हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो फिर मसला ये कि अगर जी तो सर, मतलब प्रोफाइलेक्टिकली हम अगर उसको स्टार्ट करें जी, लेकिन बायोलॉजिक्स के अलावा कोई ट्रीटमेंट देंगे आप? फिर आप बायोलॉजिक नहीं देंगे, एक तरफ आप बायोलॉजिक दें और एक तरफ एंटी टीबी दें, ये ट्रीटमेंट ये मुनासिब नहीं, ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। फिर आप उसको कोई ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट दें बायोलॉजिक के अलावा, और एंटी टीबी तो दे ही दे, उसका ट्रीटमेंट करना है आपने क्योंकि नजर आ गया है आपको लेटेंट इन्फेक्शन। फिर आपको बायोलॉजिक्स के लिए वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पेशेंट। ठीक 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 है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये मुझे नहीं मालूम कि एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है, लेकिन मेरा ख्याल है एब्सोल्यूट है, चेक कर लीजिए। मतलब एक पेशेंट के जो हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, या ये भी दो टेस्ट हैं जो हमने बायोलॉजिक से पहले करने, या टीबी पॉजिटिव है उसको बायोलॉजिक नहीं देना, ठीक है? ये ऑलमोस्ट ये रूल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है ये चेक कर लें। अच्छा, कॉक्स फिनोमेना क्या होता है? द सो कॉल्ड कॉक्स फिनोमेना वाज डेमोंस्ट्रेटेड इन 1890 बाय इनोकुलेटिंग अ नॉर्मल गिनी पिग जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का एक्सपोजर नहीं है with pure culture of tubercle bacillus. ऐसे माई माउस को क्या हुआ, गिनी पिग को क्या हुआ, द वूंड हील्स इन अ फ्यू डेज एंड आफ्टर 10-14 डेज हाउएवर अ फर्म नोड्यूल अपीयर्स एट द साइट ऑफ इंजेक्शन जो गोन कॉम्प्लेक्स है विच ओपन्स एंड फॉर्म्स एन अल्सर दिस टिपिकली परसिस्ट्स टिल द एनिमल डाइज। तो वो जो एक नॉन इम्यून एनिमल को जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की इनोकुलेशन की तो उसने रिजल्ट किया एक इन्फेक्शन को कि जिसने गिनी पिग्स उससे सरवाइव नहीं किया और गिनी पिग अल्टीमेटली डाइज। हाउएवर इफ द सेम कल्चर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस इज इंजेक्टेड इनटू अ गिनी पिग प्रीवियसली इन्फेक्टेड 1-2 months प्रायर, अगर एक गिनी पिग जिसको पहले हम ये काम कर चुके हैं उसको किसी और जगह पे हम ये इंजेक्शन लगाएंगे, द टिश्यू सराउंडिंग द इंजेक्शन बिकम इंड्यूरेटेड इन अ फ्यू डेज इट बिकम्स नेक्रोटिक लीविंग अ शैलो अल्सर विच यूजुअली हील्स क्विकली एंड परमानेंटली विदाउट इंफेक्शन ऑफ द लोकल लिम्फ नोड्स। मतलब ये कि अब जब इम्यूनाइज्ड एनिमल को आपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस लगाया तो वो जो इंफेक्शन है वो उस साइट पे रिस्ट्रिक्ट रहेगा और फैलेगा नहीं,
तो ये जो कॉक्स फिनोमेना है ये एक तरह का बीसीजी का भी का बैकग्राउंड भी है और ये मॉन्टू का बैकग्राउंड। अगर नॉन इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल को बात गिनी पिग की हो रही है, गिनी पिग की अलग इम्यूनिटी है ह्यूमन से, अगर नॉन इम्यूनाइज्ड एनिमल को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का इंजेक्शन लगाएंगे तो वो इतना सवेयर रिएक्शन होगा कि जो उसकी डेथ तक चलेगा। और अगर उसी एनिमल को आप दोबारा लगाएंगे तो उस साइड पे जहां वो लगाएंगे उस साइड पे इंजेक्शन लगेगा। और ये मुझे समझ नहीं आता आप लोग क्यों अपना माइक खोल लेते हैं। अच्छा, नाउ साइटोकाइंस एंड द कॉच फिनोमेना। नेक्रोसिस इज मेडिएटेड बाय द साइटोकाइंस पर्टिकुलरली द ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर फॉर थ्री रीजन। फर्स्ट, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इवोक्स अ डिसरेगुलेशन ऑफ साइटोकाइन रिलीज। Secondly, Mycobacterium tuberculosis itself trigger further cytokine release. And thirdly, the normal protective role of tumor necrotic factor is distorted by several interlacing properties of Mycobacterium tuberculosis which render the cytokines toxic to their host tissue. ये cytokines और cock phenomena का basis है। इसमें बहुत ज़्यादा detail में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल बस आपको cock phenomena के दो बातें मालूम होनी चाहिए कि नॉन इम्यून बंदे को टीबी लगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लगा, तो एक सेवेयर इन रिएक्शन होगा जो उसको ठीक नहीं हो सकेगा, और अगर उसी बंदे को दोबारा लगेगा तो वो रिएक्शन एक लिमिटेड होगा जो ठीक हो जाए। डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें ना जब तक हम डायग्नोस नहीं करेंगे तो हम एक प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट जो हमने 6 मंथ की देनी है वो देने के लिए ना तो हम सेटिस्फाइड होंगे और ना हम पेशेंट को कन्विंस कर सकेंगे कि आपको इस ट्रीटमेंट की जरूरत है। आप कहें, अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर द एब्सोल्यूट डायग्नोस्टिक टेस्ट या एब्सोल्यूट क्राइटेरिया टू डायग्नोस अ केस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव कल्चर और फ्रॉम द लेजन और सक्सेसफुल गिनी पिग इनोकुलेशन और माइक्रोबैक्टीरियम डीएनए आइडेंटिफाइड बाय पीसीआर। तो एब्सोल्यूट डायग्नोसिस जो है वो या तो कल्चर है या फिर पीसीआर। नाउ वी हैव द रैपिड कल्चर डायग्नोसिस टेक्निक्स इन विच माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कैन बी ग्रोन विद इन फ्यू डेज। वन ऑफ दैट इज बैकटेक सिस्टम। अदर इंडिकेशन टुवर्ड डायग्नोसिस इंक्लूड अ पॉजिटिव हिस्टोपैथोलॉजी, अ पॉजिटिव मॉन्टू टेस्ट, clinical history and physical sign, and response to the specific therapy jo hum shuru karte hain. Baaz dafa mera bhi clinical experience ye hai aur log bhi ka ye experience hai ki hame koi khaas clue nahi mil raha hota mycobacterium tuberculosis ke diagnosis ka, ya hamare paas facilities nahi ho culture ki ya pcr ki, montu ne koi result acha nahi diya, as a result hum एज अ ट्रायल ट्रीटमेंट देते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का। और जैसे मैंने आपसे कहा कि मैक्सिमम बैक्टीरिया 4 to 6 weeks में ठीक हो जाते हैं, तो चाहे स्किन की टीबी हो चाहे कहीं और की टीबी हो, 4 to 6 weeks में विजिबल मार्क इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही इसके मतलब है कि हमारा डायग्नोसिस ठीक नहीं है। नाउ द डिफरेंट टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस, the tuberculin skin test or the montu test. Tuberculin skin test depends on a delayed hypersensitivity by an intradermal injection of purified protein derivative. A positive test cannot differentiate between a clinical or latent tuberculosis infection or from bcg vaccination or from contacts with environmental mycobacteria. तो मॉन्टू टेस्ट की इतनी वैल्यू तो है कि ये डिटेक्ट करता है कि बॉडी के अंदर डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी मौजूद है टीबी के खिलाफ। जाहिर है डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी उसी वक्त होती है कि जब पेशेंट पहले से इन्फेक्ट हो चुका होता है, चाहे वो इन्फेक्शन बीसीजी की वजह से हो चाहे वो इन्फेक्शन किसी क्लिनिकल या लेटेंट इन्फेक्शन से हो, ये मॉन्टू टेस्ट डिटर्मन नहीं कर सकता। सिर्फ यही डिटरमिन करता है कि देयर इज अ डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी।
किया कैसे जाता है, 0.1 ml PPD which is equal to 5 tuberculin units. Tuberculin unit की भी कोई measurement है, कितना bacteria है वो, मैंने मुझे याद नहीं है वो, आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, tuberculin, 1 tuberculin unit में कितना gram of bacteria होता है. 5 tuberculin units is injected interdermally into the volar aspect of forearm and diameter of induration is read at 48 to 72 hours, usually 72 hours, 3 दिन के बाद. Normally, cut of hair is 10 millimeter in duration. Tuberculin sensitivity appears within a few weeks of onset of infection and is usually lifelong unless patient gets immunocompromised. Dusra test, which is now, has now gained a lot of importance nowadays, it is actually an interferon gamma assay by ELISA. आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा दो साइटोकिन्स रिलीज करता है, एक इंटरफेरॉन गैमा और एक इंटरल्यूकिन 12. इन दोनों की प्रोटेक्टिव रोल है इन रिस्ट्रिक्टिंग द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस विद इन द मैक्रोफेजेस. तो ये जो इंटरफेरॉन गैमा रिलीज होता है, इसको डिटेक्ट करने का टेस्ट का नाम क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट है और ये ELISA के थ्रू किया जाता है. ये स्लाइड टेस्ट है. Interferon gamma release assay IGRA is more specific to Mycobacterium tuberculosis antigen. ELISA के अलावा IGRA भी एक तरीका है interferon gamma को चेक करने का. This is a blood test. Have operational advantages over the Montu test because it has removed the operator bias. Operator bias ये कि आपने tuberculin सही तरीके से inject किया, सुपरफिशियल तो नहीं कर दिया, और उसके बाद टेस्ट को सही तरीके से रीड किया, लेट तो नहीं रीड किया, वगैरह वगैरह. तो ऑपरेटर बायस जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट के अंदर काफ़ी होता है, वो क्वांटिफेरॉन गोल्ड में नहीं होता, क्योंकि सारा मशीन बेस्ड टेस्ट है. एंड कैन बी डन ऑन द ब्लड एंड रिजल्ट इज आउट विद इन फ्यू आवर्स. तो ये एक बहुत रिलायबल और बहुत ही गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बनता जा रहा है, लेकिन स्टिल दिस इज नॉट अ confirmatory test. Confirmatory test is always PCR and culture. Rapid culture technique. अब यहाँ पे rapid culture techniques का जिक्र हो रहा है कि during the last two decades, several rapid culture techniques are used for detection of Mycobacterium tuberculosis. Now the culture can be done within 5 to 14 days or maximum 5 to 7 days. As compared to 2 to 8 weeks with conventional methods. और जो rapid cultural techniques हैं उसमें एक midget है, microbacterium growth indicator tubes, rectex system है और safety check है. ये कंपनियों के नाम के ये rapid culture systems हैं जो use किए जाते हैं laboratory में. आमतौर पर ये midget और backtech system है जो use करती हैं laboratory for rapid culture of microbacterium tuberculosis. Nucleic acid probes and real-time PCR. The use of nucleic acid probes has dramatically simplified species identification of mycobacteria isolate. DNA probes are used for DNA probe जो होता है ना वो एक sequence होता है nucleotides का. वो sequence complete जो nucleic acid sequence है mycobacterium tuberculosis का वो नहीं होगा, वो उसका एक हिस्सा होगा, 1/4 या उससे भी छोटा. लेकिन पीसीआर में ये होता है कि पीसीआर में जो डबल चेन है डीएनए की वो खुलती है और उसमें ये जो प्रोब्स हैं ये जाके लग जाते हैं. अगर फॉर एग्जांपल हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का पीसीआर कर रहे हैं तो हमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का प्रोब डालना है और उसके डालने से उसका प्रोब डालना है और उसके डालने से हम वो वहाँ पे जहाँ पे वो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस मौजूद हैं उसके साथ वो पैरेलल बेसिस लग जाएंगी उस प्रोब की और वो डिटेक्ट हो जाएगा पीसीआर से. अगर हम कोविड-19 का कर रहे हैं तो कोविड-19 का प्रोब डालना है. अगर हम कोई और बैक्टीरिया या वायरस का पीसीआर कर रहे हैं तो हमने उसी का प्रोब डालना है. पीसीआर की मशीन एक है. जो चीज़ एक टेस्ट को दूसरे टेस्ट से जुदा करती है वो उस खास न्यूक्लिक एसिड प्रोब है.
जो हर बैक्टीरिया या वायरस का अलग है। और ये याद रखें, ये प्रोब होता है, ये कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस नहीं होता, ये एक रिप्रेजेंटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है जो डीएनए की चेन खुलने के बाद उस जगह पर लगता है और उसको पीसीआर डिटेक्ट करता है। जीन एक्सपर्ट, इस टेस्ट के बारे में भी आपने काफी सुना होगा। जीन एक्सपर्ट इज अ कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट फॉर साइमल्टेनियस रैपिड ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस and rapid antibiotic sensitivity test. It is an automated diagnostic test that can identify mycobacterium tuberculosis, DNA and resistant rifampicin. GeneXpert again a nucleic acid amplification test hai, which is different from PCR. Iski technique thodi different hai, easy to perform. Is test ke zariye hum na sirf mycobacterium tuberculosis ko डिटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस बैक्टीरिया को में रिफेपसिन रेजिस्टेंस तो नहीं है। यूजली जो एमडीआर बैक्टीरिया होते हैं, एमडीआर में जो मेन रेजिस्टेंस है वो रिफेपसिन की है, और रिफेपसिन के साथ साथ बाज दफा आईएनएच की भी होती है। तो अगर हम रिफेपसिन की सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस डिटेक्ट कर लें तो हमें ये समझ आ जाता है कि ये एमडीआर है, हमने उसको एमडीआर के प्रोटोकॉल से ट्रीट करना है। तो जीन एक्सपर्ट का दो फायदे, एक बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन और दूसरा रिफेम्पसिन रेजिस्टेंस डिटेक्ट करना। आखिरी टेस्ट न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग है। न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग बहुत वाइडली परफॉर्म टेस्ट नहीं है, ये बहुत कम लेबोरेटरीज करती हैं, और मेरी नॉलेज में शायद आगा खान और शायद शौकत खानम ये टेस्ट करते हैं। It includes any method or technology that is used to determine the order of four bases, adenine, guanine, cytosine, and thymine. The rapid speed of sequencing attained with modern DNA sequencer machine has been instrumental in sequencing the complete DNA sequence or genome. इसमें पूरा DNA sequence इसमें आपका आ जाता है. And it is useful for determining a specific bacteria and more precise. हमें ये पता चल जाएगा कि ये जेनेटिक, ये जीनोमिक सीक्वेंस का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है जो रेजिस्टेंट है टू रिफेम्पसिन। तो हमें कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ दैट बैक्टीरिया भी आ जाएगा इस टेस्ट से, और फिर हम ज्यादा कंफर्म कर सकेंगे कि इसी सीक्वेंस का बैक्टीरिया किसी भी और जगह पे होगा तो वो रेजिस्टेंट होगा टू रिफेम्पसिन। तो ये टेस्ट हो गए 6 टेस्ट जो हम रिलायबली कर सकते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, Quantiferon gold test, rapid culture techniques, nucleic acid probe or real time PCR, gene expert or nucleic acid sequencing. Now, coming to the disease itself, cutaneous tuberculosis. Transmission of infection is made mainly by inhalation of airborne droplet nuclei particles containing Mycobacterium tuberculosis complex, resulting in pulmonary infection. ये जो सबसे common pulmonary TB है, तो pulmonary TB is spread by means of airborne droplets from an infected individual. इसके अलावा Mycobacterium bovis may penetrate the gastrointestinal mucosa and lymphatic tissue of oropharynx when ingested in cow milk. Particularly वो cow milk जो pasteurized ना हो। अब हमारी बारी, डायरेक्ट इनोकुलेशन ऑफ स्किन बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स आल्सो अकर्स। स्प्रेड टेक्स प्लेस रैपिडली वाया द लिम्फेटिक्स टू लिम्फ नोड्स एंड देन फर्दर स्प्रेड अकर वाया द ब्लड स्ट्रीम। हमने ये नीचे वाले दो पॉइंट्स को हाईलाइट करना है फर्दर। इन पर्संस विद इंटैक्ट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक्टिवेटेड टी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस फॉर्म ग्रैनुलोमा that limit the spread of organisms. There are granuloma that forms at the site of pulmonary infection constitutes the gone complex, and this together with a large lymph node is termed as primary complex. Tuberculin test become positive after 3 to 8 weeks. ठीक है, एक ऐसे इंडिविजुअल में कि जिसकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ठीक है, उसके अंदर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के एंटर होने के बाद
there is a cell-mediated immune response, Th1 response, and resulting in a granuloma formation. That us response mein ye tumor necrotic factor alpha bhi hai, interferon gamma bhi hai, interleukin 12 bhi. Aur ye granuloma us site pe aata hai ki jahan pe mycobacterium tuberculosis settle hota hai. Isko gone focus kehte hain. Aur uske saath enlarged lymph node bhi shamil ho jaye to ye primary complex hai. Often the organisms fail to thrive and disease is arrested, less often it progresses. Ab yahan pe dobara wo bataun, 90% of the cases mein organisms fail to thrive or disease is arrested and 10% mein it progresses. Sometime organism may lie dormant after primary infection only to reactivate later causing recrudescence. Matlab bacteria jo hai wo mara nahi, वो लेटेंट फेज में है लेकिन इन्फेक्शियस नहीं है. और जिस तरह से पहले बताया कि इन केस ऑफ सम ड्रग और इम्यूनो सप्रेशन वो रीएक्टिवेट कर सकता है किसी भी लेटर पीरियड ऑफ टाइम. ऑन द स्किन द प्राइमरी फोकस इज अ ट्यूबरकुलस शैंकर. ट्यूबरकुलस शैंकर बोन कॉम्प्लेक्स का नेमुल बदल है कि जब ऐसे बंदे में टीबी का बैक्टीरिया एंटर हो रहा है स्किन में जो पहले से इम्यूनाइज नहीं है. Only on the skin, the prime. If the contiguous regional lymph nodes break, scrofuloderma occur because of contiguous spread, jisme already immunized hai patient. To the epidermologist, primary tuberculosis mean any lesion developing within 5 years of original infection, and later lesions agar 5 years ke baad develop hota hai. That is called as secondary tuberculosis. Lekin ye dono epidemiologist ki terminologies. Whether post-primary lesions are due to reactivation of existing disease or due to reinfection, since BCG protection, whether post-primary lesions are due to reactivation of existing disease or due to reinfection, since BCG protection diminishes with time. दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है. पोस्ट प्राइमरी लेजन्स रीएक्टिवेशन की वजह से भी हो सकता है और री इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है. क्योंकि जहां तक बीसीजी प्रोटेक्शन का सवाल है उसके बारे में भी बात करूंगा, वो डिमिनिशेज विद टाइम. द री इन्फेक्शन सीन इन होस्ट ऑलरेडी सेंसिटाइज बाई प्रीवियस इन्फेक्शन. फॉर एग्जाम्पल द री इन्फेक्शन इज सीन इन होस्ट ऑलरेडी सेंसिटाइज बाई प्रीवियस इन्फेक्शन. ट्यूबरकुलोस वेरिकोजा क्यूटिस में अगेन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस स्किन के अंदर एंटर होता है जैसे कि ट्यूबरकुलोस शैंकर में होता है. लेकिन फर्क ये होता है कि ट्यूबरकुलोस वेरिकोजा क्यूटिस में होस्ट ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड होता है और ट्यूबरकुलोस शैंकर में इन होस्ट सेंसिटाइज नहीं होता. तो जो पोस्ट प्राइमरी टीबी है उसकी वजह रीएक्टिवेशन भी हो सकती है फ्रॉम लेटेंट और सेकेंड दोबारा एंट्री भी हो सकती है बैक्टीरिया की और दोनों सूरतें हो सकती हैं. और ये जो ट्यूबरकुलोस वेरुकोजा क्यूटिस है ये रीएक्टिवेशन का फिनोमेना नहीं है, ये री एंट्री का फिनोमेना है. मतलब दोबारा नया बैक्टीरिया एंटर हो रहा है लेकिन होस्ट ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड है. आप लोगों को बात समझ आ रही है ना? यस सर. शैंकर वाली बात रिपीट कीजिए दोबारा. इसकी कौन सी वाली बात? सर शैंकर वाली. लेकिन जनरली मोटा सा बता रहा हूँ कि दो तरह के डायरेक्ट ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया की एंट्री के फिनोमेना है. दोनों केसेस में ट्यूबरक्लोस शैंकर में भी और ट्यूबरक्लोस वेरुकोजा क्यूटिस में बैक्टीरिया स्किन के अंदर एंटर हो रहा है. ट्यूबरकुलस शैंकर में ऐसे बंदे में एंटर हो रहा है कि जो पहले से इम्यूनाइज नहीं है, ना उसको बीसीजी लगी है या अगर लगी है तो बीसीजी ने अपना इफेक्ट खो दिया है और ना ही उसको पहले से कोई बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस एंटर हुआ. कोई प्राइमरी कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई लेटेंट बैक्टीरिया नहीं है, तो इसके अंदर बिल्कुल इम्यूनिटी नहीं है. तो वो जो भी प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्किन में बनेगा जिसको ट्यूबरकुलस शैंकर कहते हैं. दूसरा केस ट्यूबरकुलोस वेरुकोजा क्यूटिस का है. ट्यूबरकुलोस वेरुकोजा क्यूटिस के अंदर
बैक्टीरिया एंटर तो स्किन में हुआ लेकिन होस्ट ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड है, तो यहाँ पे जो होगा ये पोस्ट प्राइमरी इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन लोकलाइज्ड होगा उस जगह से जहाँ पे बैक्टीरिया एंटर हुआ, लेकिन इम्यूनिटी है, होस्ट इम्यूनिटी है, ग्रैनुलोमा भी बनेंगे और वहां पे बैक्टीरिया रिस्ट्रिक्ट भी होगा, जबकि शैंकर में नहीं होगा ऐसा। शैंकर में प्राइमरी सर टीवीसी के बारे में क्वेश्चन है, आपने कहा है कि वो इम्यूनाइज्ड होस्ट होगा, तो इसके अंदर ये है कि द पेशेंट हैज टू हैव एक्सपोजर ऑफ द डिजीज फ्रॉम अर्लियर ऑन जिस पे आएगा, या सर बीसीजी वैक्सीन के बाद, या दोनों बेशक बीसीजी वैक्सीन हुई हो, उसको शर्त ये है कि पेशेंट जो है वो इम्यूनाइज्ड हो, उसमें टीबी की वजह से क्रिएटेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इंटरफेरॉन गामा इंटरल्यूकिन 12 मौजूद है, इसीलिए जो ट्यूबरकुलोज वेरुकोजा क्यूटिस को रिस्ट्रिक्ट कर देती है बॉडी एक साइड पे, जबकि शैंकर फैलता है। अभी ये मैं और डिस्कस करूंगा, अभी तो ये टॉपिक आएगा बाद में। ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्किन, देयर इज वाइड क्लिनिकल स्पेक्ट्रम ऑफ क्यूटेनियस ट्यूबरकुलोसिस इज डिपेंडेंट ऑन द रूट ऑफ इंफेक्शन, एंडोजेनस है या एक्सोजेनस है। Endogenous है या exogenous है, the immune status of the patient and whether or not there has been previous sensitization of tuberculosis। सबको मालूम है कि ये सारे factors हैं cutaneous TB में किस किस्म की manifestation होगी। पहली बात ये कि depend on route of infection, endogenous है मतलब अंदर ही अंदर से TB कहीं और पहुंच गई, या एक्सटर्नली एक्सोजेनस जैसे कि हमने जिक्र किया शैंकर और टीवीसी का। इम्यून स्टेटस कैसा है पेशेंट का, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, और क्या प्रीवियस सेंसिटाइजेशन है टीबी की कि नहीं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द मेन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यूटेनियस ट्यूबरकुलोसिस, ओकेजनली माइकोबैक्टीरियम बोविस एंड बीसीजी आर इम्प्लीकेटेड। Primary inoculation of the skin usually follow trauma, produce a tuberculous chancre in non-immune host, whereas tuberculous verrucosa cutis occur in primary infection in an immune host. ये बात अभी explain कर दी गई है। Lupus vulgaris occur as a hematogenous spread, lymphatic or contiguous spread, but can occur following inoculation. इसका exogenous route भी है लेकिन वो common route नहीं है। Usually it is a hematogenous spread from via lymphatics from somewhere inside the body, चाहे वो lung में हो चाहे वो intestine में हो, तो skin पे lupus vulgaris जो है ना वो hematogenous spread के साथ आता है। तो जब भी lupus vulgaris का patient आएगा हमें जो original focus है उसको ढूंढने की कोशिश करनी। Scrofuloderma result from contiguous involvement, contiguous का मतलब होता है कि साथ साथ involvement of skin overlying tuberculosis of a deeper structure, for example lymphadenitis, bone or joint. अगर joint का TB होगा या bone का TB होगा या lymph node का होगा तो उसके ऊपर की skin TB से affect हो जाएगी और वो जो skin affect होगी उसको हम scrofuloderma कहते हैं। तो अब आप ये याद कर लें कि शैंकर और TVC is because of inoculation exogenous inoculation of mycobacterium tuberculosis. Lupus vulgaris is because of hematogenous spread. किसी भी जगह पे टीबी का फोकस है और लिम्फेटिक्स की तरह से वो जगह लिम्फेटिक्स की तरफ से वो फोकस स्किन में पहुंच गया। और scrofuloderma is contiguous spread. नीचे टीबी का फोकस है किसी भी वजह से, बोन इन्वॉल्वमेंट है या जो भी है, ये कौन कर रहा है प्लीज को साफ करें मेरे स्क्रीन से, जिसने भी ये किया है। जो भी हो रहा है ये स्क्रीन पे हो रहा है जी। अच्छा, एंड स्क्रोफ्लोडर्मा रिजल्ट्स फ्रॉम एंड द स्क्रोफ्लोडर्मा रिजल्ट फ्रॉम कंटिगुअस स्प्रेड फ्रॉम द टीबी फोकस जो लिम्फ नोड भी हो सकता है और बोन। अब और देखें तो उसको भी एंडोजेनस कहेंगे स्क्रोफ्लोडर्मा को, एंडोजेनस एंडोजेनस एक्सोजेनस तो दो ही है ना स्किन में, जिसमें टीबीसी एंड शैंकर और टीबीसी। Metastatic tuberculous abscesses, जिसको tuberculous gamma भी कहते हैं, it is due to hematogenous spread from primary focus. This usually occur when host resistance is suppressed.
ये जो मेटास्टेटिक ट्यूबरकुलस एब्सेस है ये मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस की स्किन फाइंडिंग है। जिस तरह मिलियरी टीबी बॉडी पे स्किन के अंदर ऑर्गन्स में फोकाए बनाएगी, इस तरह मेटास्टेटिक टीबी स्किन पे आती है। ऑरिफिशियल पेरी ओरल और पेरी एनल ट्यूबरकुलोसिस कैन अकर फॉलोइंग इंजेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम फ्रॉम आइदर सॉलिड respiratory secretions or milk contaminated with mycobacterium bovis again in an immunocompetent individual. Classification of mycobacterium tuberculosis on the basis of host immunity and method of inoculation. Naive host, matlab koi immunity nahi hai. Direct inoculation, tuberculous chancre. Multi-bacillary form, मतलब ऑलरेडी बैक्टीरिया मौजूद है, कंटिगुअस स्प्रेड स्क्लेरोफोर्मा। लो होस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी तो है लेकिन लो होस्ट है। ऑटो इनोकुलेशन और हिमेटोजेनस स्प्रेड और ऑफिशियल ट्यूबरकुलोसिस, एक्यूट मिलरी ट्यूबरकुलोसिस एंड ट्यूबरकुलस गामा। लो इम्यूनिटी है और ऑटो इनोकुलेशन हो। पॉसिबेसिलरी फॉर्म, हाई होस्ट इम्यूनिटी, बैक्टीरिया कम है। डायरेक्ट इनोकुलेशन, वाटरी टीबी और पॉसिबेसिलरी है, हाई इम्यूनिटी है, हिमेटोजेनस स्प्रेड लूपस वल्गैरिस। फिर ट्यूबरकुलीट्स हैं, वो फिर बाद में डिस्कस करो। ठीक है, ये टेबल समझ में आया? Yes, ये टेबल समझ में आया? एक वो होस्ट है कि जिसकी कोई इम्यूनिटी नहीं, उसकी डायरेक्ट इनोकुलेशन के बाद ट्यूबरकुलस चैंकर हो रहा है। एक वो होस्ट है कि जिसके अंदर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है, बहुत सारा बैक्टीरिया है और उसकी इम्यूनिटी भी काफी हद तक नाइव नहीं, मतलब ये नाइव होस्ट तो वो है कि जिसको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ने कभी भी टच नहीं किया। मल्टीबैसिलरी फॉर्म वो है कि जिसको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंटर हो चुका है लेकिन इम्यूनिटी इतनी नहीं, मेरा ख्याल है, मेरा हो सकता है कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन एक अनस्टेबल टाइप को आया है, नोटिस तो अभी ठीक हो गया, मैं दोबारा डॉक्टर विनेश देवी का माइक म्यूट है। हसन का माइक ऑन था, हसन का। अच्छा जी, ये दोबारा मैं टेबल, क्योंकि ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला कैटेगरी उन इंडिविजुअल्स की है कि जिनको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ने टच भी नहीं किया, वो नाइव होस्ट हैं। उनको जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोस एंटर होगा तो ट्यूबरकुलस चैंकर बनेगा। नंबर टू, वो इंडिविजुअल्स हैं कि जिनके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंटर तो हो चुका है, पहुंच भी गया है जहां पहुंचना है, लेकिन इम्यूनिटी बनी नहीं है। वहां पे स्क्लेरोफोर्मा होगा बिकॉज ऑफ कंटिगुअस स्प्रेड। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है कि जिनके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोस एंटर हुआ और लो डिग्री ऑफ इम्यूनिटी हो भी गई है। इन केस इन लोगों में ऑरिफिशियल टीबी होगी, मिलियरी टीबी होगी और ट्यूबरकुलस गमा होगा। तीसरी फॉर्म उन लोगों की है कि जिनकी होस्ट इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और उस वजह से बैक्टीरिया भी कम पॉपुलेशन में मौजूद है, और इनमें अगर डायरेक्ट इनोकुलेशन होगी तो वाटरी टीबी बनेगी और अगर हिमेटोजेनस स्प्रेड होगा तो लूपस वल्गैरिस। और ट्यूबरकुलीट्स तो एक अलग कैटेगरी है जो मैंने आपको डिस्कस करी। प्राइमरी इनोकुलेशन ट्यूबरकुलोसिस और ट्यूबरकुलस चैंकर। अब क्योंकि स्लाइड्स बहुत सारी हैं, या तो मैं जल्दी जल्दी करूंगा या फिर मुझे फिर लेक्चर लेना पड़ जाएगा, और फिर मैं अगर जो चीज ना मुझे लगेगा ना कि आपको समझाने की जरूरत है मैं उसमें रुकूंगा, वरना आई विल गो थ्रू। आप लोगों को जो चीज लगे कि ये मुझे समझ नहीं आई हमें तो मुझे रोक लीजिए। The bacillus enters through the skin through abrasion or minor injuries, usually on the face and limbs, from contact with infected sputum. Seen commonly in children, however, uncommon form, however, is an uncommon form of skin tuberculosis.
ये बात कई दफा हो गई. हिस्टोपैथोलॉजी, अर्ली चेंजेस आर दोज ऑफ एक्यूट न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लेमेशन विद नेक्रोसिस अकर इन बोथ स्किन एंड अफेक्टेड लिम्फ. न्यूमरस बैसिलाई प्रेजेंट आफ्टर 3 to 6 weeks, देन इन्फिल्ट्रेट बिकम ग्रैनुलोमेटस एंड केजिएशन अपीयर्स कोइंसाइडिंग विद डिसअपीयरेंस ऑफ बैसिलाई. अगर तो अर्ली बायोप्सी कर ली तो आपको ग्रैनुलोमा नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको नेक्रोसिस और इन्फ्लेमेशन मिलेगी. अगर बायोप्सी लेट हो जाती है तो फिर टाइम मिल जाएगा बॉडी को इम्यूनिटी लॉन्च करने में और फिर ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन आ जाएगी. Earliest lesion occur in 2 to 4 weeks after inoculation and may be a brownish papule, nodule or ulcer with an undermined edge and granular hemorrhagic base. आमतौर पर TB के जो अल्सर हैं वो undermined edge के होते हैं. हमने undermined edge को last time slide session में discuss किया. The lesions are commonest on face, hands and lower extremities. Regional lymphadenopathy often develops. If untreated, chancre will heal slowly over many months. Lupus vulgaris may develop at the site of original lesion. Occasionally hematogenous, ये वो वाली category है lupus vulgaris की जिसको कहते हैं कि inoculation से भी हो सकती है. And occasionally hematogenous spread of organism can occur with development of miliary TB. मतलब वही अगर तो host ने अच्छी immunity नहीं बनाई शंकर के खिलाफ तो फिर वो ultimately it will enter into a miliary TB. वो पूरी body में फैल सकती है. डायग्नोसिस कैसे होगा? एनी पेनलेस नॉन हीलिंग अल्सर और लीजन विद लोकलाइज लिम्फेडेनोपैथी सीन इन चिल्ड्रन शुड अराइज सस्पिशन. फेस पे या किसी भी एक्सपोज एरिया पे आपको एक अल्सर मिल रहा है विद रीजनल लिम्फ नोड तो आप उसको प्राइमरी शंकर का जहन में रखेंगे. एसिड फाइव बेसिलाई आर सीन इन प्राइमरी स्किन लीजन एंड इन ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स इन अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज. आफ्टर ATT should be started without waiting for further proof. क्योंकि अगर तो ये फैलेगा तो फिर बहुत ज़्यादा फैल सकता है. DT include other causes of ulcers like tularemia, sporotrichosis, actinomycosis, Bartonellosis and mycobacterium marinum infection. मतलब ये सारे chronic infections है fungal और atypical mycobacterium. अब हम आगे warty TB पे. This is characterized by an indolent warty plaque like form of tuberculosis occurring as a result of inoculation of organisms into skin of a previously infected person who usually has a moderate or high degree of immunity. There are few organisms in the lesion. Ye possi bacillary form. Lupus vulgaris bhi possi bacillary form. Dono un logon ko honge ki jinki high degree of immunity hai. Warty TB is inoculation TB and lupus vulgaris is hematogenous. Lesion arise in 3 ways. By accidental super infection from an extraneous source like a physician, pathologist, postmortem attendant, by auto inoculation with sputum in a patient with active tuberculosis, khud hi patient ke khud hi sputum apna usne auto inoculate kar liya. Children and young adults already infected may become infected from a sputum by sitting on a ground or walking barefoot where the organism is present. As far as the histopathology, तमाम tuberculosis में granuloma बनेगा. उस granuloma के कुछ characters हैं जिसका जिक्र मैं ज्यादा clearly lupus vulgaris के में करूंगा और जब मैं granulomas का chapter का histopathology का chapter लूंगा तो और जिक्र करूंगा. लेकिन basically जो main जो dermis में आपको granuloma मिलेगा TB वाला, लेकिन जो superficially नजर आ रहा है वो थिक हाइपरकेराटोसिस और एपिडर्मल और सोरेसिफॉर्म हाइपरप्लेजिया है. ये दो फीचर हैं जो हाइपरकेराटोसिस की फीचर है. क्योंकि वॉटी टीबी वॉट लाइक टीबी होती है इसलिए इसके अंदर हाइपरकेराटोसिस के फीचर्स होंगे इन एडिशन टू द ग्रैनुलोमास विच आर प्रेजेंट विद इन द डर्मस. लेजन्स अकर ऑन दोज एरिया एक्सपोज टू ट्रॉमा एंड टू इन्फेक्टेड स्पूटम और ट्यूबरकुलस मटीरियल. तो इसलिए लेजन एक्सपोज एरियाज पे होंगे. Hands, knee, ankle and buttocks sometimes agar aap baith ke ho raha hai. Start as a small indurated warty papule and gradually extend to form a verrucous plaque. Occasionally exudative or crust formation. Very rarely sporotrichosis, sporotrichoid spread is also seen and tuberculous lymphadenitis can also occur. Ye bhi warty TB ke different finds hain. Sporotrichoid spread bhi ho sakta hai warty TB mein. तो जब आप स्पोरोट्रिकोइड स्प्रेड की कॉजेज ढूंढ रहे हैं जब आप बताएंगे तो उसमें आपने इसका जिक्र भी करना है वॉटी टीबी का.
कुछ एनोमलस फॉर्म हो सकती हैं, डीप डिस्ट्रक्टिव पेपिलोमेटस और स्क्लेरोटिक फॉर्म, पेपिलोनेक्रोटिक और ल्यूकोइड लीजन, या एक्सुबरेंट ग्रैनुलोमेटस फॉर्म, खास इंपॉर्टेंस नहीं है। डीडी, वो तमाम हमने कुछ दिन पहले वॉर्टी टीबी का डीडी किया, वायरल वॉर्ट, बोट्रोमाइकोसिस, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, एक्टिनोमाइकोसिस, पोरोट्रिकोसिस, टर्शियरी सिफिलिस, ये जिक्र नहीं किया था उस दिन हमने, टर्शियरी सिफिलिस का जिक्र नहीं किया था, एंड हाइपरट्रॉफिक एलपी, हाइपरट्रॉफिक एलपी का जिक्र आया था। अब सेकंड या थर्ड टाइप टीबी है स्क्लेरोफ्लोडर्मा, बहुत कॉमन है, हम बहुत कॉमनली देखते हैं। स्क्लेरोफ्लोडर्मा रिजल्ट्स फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट एंड ब्रेकडाउन ऑफ स्किन ओवर लाइक अ कंटिगुअस ट्यूबरकुलस फोकस, मतलब एक टीबी फोकस के ऊपर स्किन डैमेज हुई। कंडीशन अकर मोस्ट कॉमनली आफ्टर सर्वाइकल ग्लैंड लीजन इन्फेक्शन, लेस ऑफन विद एक्सिलरी एंड इनगोइनल ग्लैंड, ज्यादा कॉमन लिम्फ नोड्स की वजह से, कम कॉमन बोन की वजह से। फेस एंड नेक आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। इट वॉज कंसिस्टेंटली द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ कुटेनियस ट्यूबरकुलोसिस इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन थ्री लार्ज सीरीज फ्रॉम इंडिया। तो जो कुटेनियस टीबी सबसे कॉमन देखी गई है इंडिया में तीन डिफरेंट स्टडीज में, वो स्क्लेरोफ्लोडर्मा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विच इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ कुटेनियस टीबी, तो आपका आंसर लूपस वल्गैरिस नहीं होगा, स्क्लेरोफ्लोडर्मा। स्क्लेरोफ्लोडर्मा, द अपीयरेंस इज रादर डिसेप्टिव, कंसिस्टिंग ऑफ एब्सेस सराउंडेड बाय हिस्टोसिटिक इन्फिल्ट्रेट। मैं जब भी कभी ग्रैनुलोमास की क्लासिफिकेशन करवाता हूं तो उसमें मैं चार टाइप के ग्रैनुलोमास का जिक्र करता हूं, जिसमें एक है सपोरेटिव ग्रैनुलोमा। वैसे तो सपोरेटिव ग्रैनुलोमा जो है वो होते हैं एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया और डीप फंगल इन्फेक्शन में, लेकिन स्क्लेरोफ्लोडर्मा एक वो टीबी का टाइप है कि जिसमें सपोरेटिव ग्रैनुलोमा हो सकते हैं, एब्सेसेस होती हैं सेंटर में और ग्रैनुलोमा होते हैं सराउंडिंग। अब ब्लूइश क्लिनिकल अपीयरेंस, ट्यूबरकुलस वेरुकोसा क्यूटिस की भी ऐसे शुरू होती है और शंकर की भी। अब ब्लूइश रेड नोड्यूल ओवरलाइंग इन इन्फेक्टेड ग्लैंड और जॉइंट विच ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म एन अंडर माइंड अल्सर विद ग्रैनुलेशन टिश्यू एट द बेस। न्यूमरस फिस्टुला में इंटरकम्युनिकेट बीनीथ। स्पोरोट्रिकॉइड स्प्रेड, इसमें भी डिस रिपोर्ट है। एंड आफ्टर हीलिंग अ पकर्ड स्कारिंग, पकर्ड मतलब अंदर से ये जो स्कार है वो खिंचा हुआ सा स्कार, ऐसा लगता है जैसे खींच गई है स्किन, यहाँ पे जैसे कि स्किन अंदर की तरफ खींची गई। डीडी में इसके वो तमाम आप क्रॉनिक अल्सरेटेड लीजन्स, क्रॉनिक नोड्यूलो अल्सरेटेड लीजन्स को आप सोचिएगा, एवियम क्लोफलेशियम, ये दोनों एटिपिकल हो गए। स्पोरोट्रिकोसिस, एक्टिनोमाइकोसिस, एक्टिनोमाइकोसिस इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपको मल्टीपल साइनसिस नजर आ रहे हैं, सिफिलिटिक गमा और हाइडरेडिनाइटिस सपोरेटिव। आजकल ना सिफिलिस के डीडी कहना बड़ा रेयर हो गया है, वरना हमने ना दो तीन दफा डिफरेंशियल डिस्कस किया इनमें सिफिलिस का जिक्र नहीं आया। ये अब जहन में रखना है कि इस किस्म के लीजन में सिफिलिटिक गमा, वैसे तो ये अमेरिकन जैड कहता है कि अब सिफिलिटिक गमा ऑलमोस्ट एक एक्सटिंक्ट पैथोलॉजी है, अब नहीं होता सिफिलिटिक गमा, क्योंकि टीबी की वो सिफिलिस की थेरेपी इतनी अच्छी हो गई है कि गमा नहीं होता, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ डिफरेंशियल हमें याद रखना। ऑरिफिशियल ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन ऑफ म्यूकोसा ऑफ स्किन एडजॉइनिंग ऑरिफिसेस इन पेशेंट विद एडवांस इंटरनल टी। इट अकर्स पर्टिकुलरली इन दोज विद पल्मोनरी इंटेस्टाइनल और एनोजेनिटल डिजीज। इट इज अ मल्टीबेसिलरी फॉर्म ऑफ कुटेनियस ट्यूबरक्लोसिस, मतलब ये कि इसमें इस फॉर्म में जो पेशेंट है उसके अंदर इतनी अच्छी इम्यूनिटी नहीं है, ये नहीं कि नहीं है लेकिन इम्यूनिटी पुअर है और बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में मौजूद है फोकस के अंदर। इट इज नॉर्मली अ फॉर्म ऑफ ऑटो इनोकुलेशन ट्यूबरक्लोसिस, वही फॉर एग्जाम्पल स्पूटम बाहर निकला दोबारा इनोकुलेट हो गया, तो वो इनोकुलेट होके ओरल म्यूकोजा के गिर्द टीबी का लीजन बन गया। इस तरह से अगर इंटेस्टाइनल टीबी है तो स्टूल के जरिए माइक्रोबैक्टीरिया निकल रहा है और वो पेरिएनल लीजन बना रहा है। ये वो टीबी है कि जिसमें बैक्टीरिया कॉपियस पॉपुलेशन में है और इम्यूनिटी पुअर इम्यूनिटी की तरफ है। हिस्टोपैथोलॉजी में भी ट्यूबरकुलर बैसिलस न्यूमरस होंगे और ग्रैनुलोमा कम नजर आएंगे। Affected patient is usually severely ill adults
with advanced visceral tuberculosis. Small edematous red nodules appear rapidly down to form painful shallow ulcers with undermined bluish edges with associated granulomatous swelling of the lips. Other sites include genitals, perianal, intestinal TB ke case mein. Ye periorificial kitna dreadful lesion hai, with granulomatous enlargement of upper lip extending to the nose and tongue shows erythematous erosions and ulcerations. Pain cardinal feature hai. 79% logon mein pulmonary disease. Aur diagnosis is confirmed bacteriologically. PCR is positive. Tuberculin test is variable. Kyunki maine aapko bataya ki multibacillary disease hai. Beshumar bacteria hai. Immunity poor hai. Isliye ho sakta hai ki tuberculin test negative aa jaye. So is surat mein diagnosis culture aur quantiferon aur PCR pe hoga. The source of local infection must be traced and anti-TB therapy instituted. Miliary tuberculosis. This is due to hematogenous dissemination of mycobacteria into the skin. It is rare and usually affects children or immunosuppressed individuals, such as those with concurrent HIV infection or following a viral infection such as measles. Obvious baat hai ki ye miliary TB unhi logon ko hogi ki jinke host immunity poor hai aur TB phail rahi hai body ke. सर ये मिलरी टीबी वो वाली टीबी होगी जो अभी आपने गम्मा और एब्सेसेस वाली टीबी कही है वही सेम चीज है मैंने गम्मा हाँ मतलब गम्मा भी एक तरह का उन लोगों में होती है कि जिसमें होस्ट इम्यूनिटी नहीं होती ट्यूबरक्लोसिस गम्मा भी उन लोगों में होता है कि जिसमें होस्ट इम्यूनिटी नहीं होती तो ये भी मिलरी टीबी भी उन लोगों में होगी जिसमें होस्ट इम्यूनिटी नहीं होगी और टीबी जो है ना वो ब्लड के जरिए डिफरेंट साइट्स पे स्प्रेड करेगी सर आपने ये भी बताया कि ऑरिफिशियल टीबी में भी तो इम्यूनिटी डिक्रीज होगी तो यस विल इट बी सेम लाइक मिलियरी टीबी ऑरिफिशियल टीबी गम्मा ऑरिफिशियल टीबी में ऑटो इनोकुलेशन मिलियरी टीबी में हेमेटोजेनस स्प्रेड वही एक पेशेंट के जिसके अंदर मल्टीबैसिलरी डिजीज है वो शायद पल्मोनरी टीबी से सफर कर रहा है और बहुत सेवेयर टीबी से सफर कर रहा है ठीक नहीं हो रहा वो बॉडी इम्यूनिटी नहीं है या ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुई उस पेशेंट में अगर हेमाटोजेनस डिसेमिनेशन होगा थ्रू ब्लड वेसल तो बॉडी के मुख्तलिफ साइट्स पे पेप्यूल्स और नोड्यूल्स बनेंगे जो मिलरी टीबी बनेंगे उसी पेशेंट में जो स्पूटम निकलेगा या स्टूल के जरिए जो बैक्टीरिया बाहर आएगा वो दोबारा स्किन में दाखिल होके उस ऑरिफिस के गिर्द जो इन्फेक्शन बनाएगा वो ऑटो इनोकुलेशन टीबी होगी जिसको हम पेरी ऑरिफिशियल टीबी कहते हैं होस्ट एक ही तरह का ठीक है ठीक है ओके सर ओके सर ओके सर अच्छा जो फोकस है एब्सेस है उसके गिर्द फिर ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगी बहुत वेल फॉर्म ग्रैनुलोमा नहीं होंगे देयर विल बी प्रोफ्यूज क्रॉप्स ऑफ माइन्यूट bluish papules, vesicle and pustules, hemorrhagic lesions in patient who are obviously ill. Underlying disease may be manifest, may not be manifest and diagnosis sometime only made by a biopsy of skin lesion. ये वाला जो picture है, इसके differential diagnosis में और क्या-क्या हम सोच सकते हैं? Scabies. Scabies. Oh, नहीं. Sir, please सोच सकते हैं? Pleva, pleva. बिल्कुल ठीक लाइन पे आए ये वो पेपिलोनेक्रोटिक ट्यूबरक्लोसिस वाली अपीयरेंस है ये जो मिलरी टीबी के डिफरेंशियल में फीवा आएगा लिम्फोमेटोइड पेपिलोसिस आएगा चिकन पॉक्स नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत क्रॉनिक लीजन है तो वो वाले डिफरेंशियल्स करेंगे तो जब आप अब फीवा का डिफरेंशियल करें तो मिलरी टीबी का भी जहन में रखें Anti-tuberculosis therapy should be started immediately when there is a strong suspicion. Tuberculin test is negative because host immunity is not good. Prognosis is poor but response to treatment is good. Lupus vulgaris, jo hamari sabse common to scrofuloderma hai, lekin sabse fancy jo lesion jisko hum cutaneous TB ka prototype kehte hain, wo lupus vulgaris hai. It's a chronic progressive post-primary पॉसी बेसिलरी फॉर्म ये सारी चीजें आपको समझ आई क्रॉनिक प्रोग्रेसिव
पोस्ट प्राइमरी पॉसी बेसिलरी फॉर्म ऑफ कुटेनियस टीबी अकर इन पर्सन हाँ अच्छा फॉर्म ऑफ कुटेनियस ट्यूबरक्लोसिस अकर इन पर्सन विद मॉडरेट और हाई डिग्री ऑफ इम्यूनिटी कैरेक्टरिस्टिक लिजन इज अ प्लाक कंपोज ऑफ अ सॉफ्ट रेडिश ब्राउन पेप्यूल एंड द अपीयरेंस ऑन डायस्कोपी इज ऑफ एप्पल जेली एप्पल जेली के बारे में मैंने कहीं लिखा है चलो एप्पल जेली का जिक्र मैं करूंगा मैंने मैंने खाली कुछ स्लाइड बनाई है एप्पल जेली द लीजन ग्रेजुअली एक्सटेंड एंड मे कॉज कंसिडरेबल टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड हील विद स्कारिंग लूपस वल्गैरिस वॉज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन एडल्ट्स पब्लिश सीरीज फ्रॉम इंडिया साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान प्रिज्यूमेबली reflecting greater immunity to tuberculosis in the community appear to be more common in women than in men ye kisi ek study ko quote kar pathogenesis lupus vulgaris originates from an underlying focus of tuberculosis typically in bone joint lymph nodes or and arise by either contiguous extension of disease from underlying tissue or hematogenous or lymphatic spread it can also arise after exogenous or complication of BCG vaccination. Lupus vulgaris is typically a possibly bacilli form of cutaneous tuberculosis and often makes successful culture difficult. PCR is reported to be useful. Achha, lupus vulgaris ke baare mein ek cheez aap ye yaad rakhein ki jahan tak ye sawal hai ki ye post primary hai, ye sawal hai ki ye possibly bacilli hai aur ye sawal hai ki isme host immunity achhi hoti hai, ispe koi dusra khayal nahi hai. लेकिन लूपस वल्गैरिस होने के तरीके हर तरीका हो सकता है जो तरीका हमने क्यूटेनियस टीबी के और फॉर्म्स में देखा तो ये ऑटो इनोकुलेशन ये प्राइमरी इनोकुलेशन से भी हो सकती है ये कंटिगोस स्प्रेड से भी हो सकती है और ये हिमाटोजेनस स्प्रेड से भी हो सकती है टीबी का फोकस किसी और जगह पे तो ये तीनों तरीके से लूपस वल्गैरिस हो सकती है लेकिन जो चीजें फिक्स्ड हैं वो पोस्ट प्राइमरी पॉसी बेसिलरी और गुड होस्ट इम्यूनिटी का और चूंकि पॉसी बेसिलरी में टी बैक्टीरिया कम होते हैं तो इसलिए कल्चर वुड बी डिफिकल्ट बट अगेन हमने और टेक्निक्स के जरिए इसको डिटरमिन करना है लाइक पीसीआर या क्वांटिफिरोन सर एक क्वेश्चन था पूछो सर पहले टीबी के साथ भी ये आ सकते हैं ल्यूपस वल्गैरिस यस 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 बिल्कुल ठीक है बिल्कुल आ सकता है प्रोवाइडेड कि हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया हुआ उसको एक पल्मोनरी टीबी का पेशेंट है हु इज नॉट बीइंग ट्रीटेड अगर तो वो ट्रीट हो जाएगा तो फिर वो बैक्टीरिया हेमाटोजेनस स्प्रेड नहीं करेगा लूपस वल्गैरिस ये टिपिकल ग्रैनुलोमास हैं कि जिनको कहते हैं ये मैं ग्रैनुलोमा के बारे में आपको हमेशा ये बात कहता हूँ कि ग्रैनुलोमा को देखने के लिए स्कैनर पे लगाएंगे आप फोर मैग्निफिकेशन पे और आपको ब्लू ब्लू एरियाज के दरमियान पिंक पिंक राउंड एरियाज नजर आएंगे क्यों ग्रैनुलोमास आर एपिथेलियोइड सेल्स हैज लॉट्स ऑफ साइटोप्लाज्म तो वो जो पिंक साइटोप्लाज्म है वो पिंक एरियाज बनाएगा और जो ब्लू न्यूक्लियाई हैं ये लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल के न्यूक्लियाई हैं और तो ये इंफ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट भी काफी होगा और इसके अलावा इसमें केजिएशन नजर नहीं आ रही वो मैं आगे दिखाऊंगा ग्रैनुलोमास हैं और ग्रैनुलोमास एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रहे हैं ग्रैनुलोमास आर सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट्स ये सारे एपिथेलियोइड सेल्स हैं ये आप देखें लंबे लंबे न्यूक्लियाई हैं इन सेल्स के मैक्रोफेजेस से इस तरह डिफरेंट है कि इनके न्यूक्लियाई लंबे होते हैं मैक्रोफेजेस के इस तरह के राउंड न्यूक्लियाई होते हैं लेकिन न्यूक्लियाई दोनों के वेजिकुलर हैं ये मैक्रोफेज टाइप न्यूक्लियाई हैं राउंड राउंड वेजिकुलर इसलिए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे इस न्यूक्लियस के अंदर पानी भरा हुआ है जबकि ये सॉलिड न्यूक्लियस है लिम्फोसाइट ब्लू कलर का डॉट जबकि यहाँ पे एक एक लूज सा न्यूक्लियस पड़ा हुआ है ये हिस्टोसाइट का न्यूक्लियस और यही न्यूक्लियाई जब लंबे लंबे हो जाते हैं पतले पतले लंबे लंबे तो इनको एपिथेलियोइड सेल्स कहते हैं तो ये ग्रैनुलोमा एपिथेलियोइड सेल्स का एक मजमुआ होता है नाउ वी आर सीइंग जायंट सेल्स और ये जो जॉइंट सेल है लैंगहैंड टाइप जॉइंट सेल लैंगहैंड टाइप जॉइंट सेल में न्यूक्लियाई हॉर्स शू शेप में एक साइड पे न्यूक्लियाई अरेंज होते प्रेजेंस ऑफ लैंगहैंड टाइप जॉइंट सेल इज
क्लू टू डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बट इट इज नॉट डायग्नोस्टिक। ये नहीं कि लैंग एंड जॉइंट सेल किसी और कंडीशन में नहीं आ सकते, इवन कुटेनियस लिशमिनियसिस में भी मिल जाते। दिस इज केजिएशन। केजिएशन नेक्रोसिस इज ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी एंड नॉट द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया। अब ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है नोट करने का। एक तो नेक्रोसिस हो सकता है बिकॉज ऑफ सुपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टॉक्सिन रिलीज कर रहा है बैक्टीरिया और टिश्यू को नेक्रोस कर रहा है। नहीं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में केजिएशन नेक्रोसिस की वजह एग्जैजुरेटेड होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स है, तो इट इज एन हाइपर सेंसिटिविटी नॉट अ टॉक्सिक इफेक्ट। जो केजिएशन नेक्रोसिस जिस जगह पे होगा उस जगह के गिर्द ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगी, ग्रैनुलोमा केजिएशन के गिर्द होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो फोकस है इस फोकस के अंदर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है जिसके ऊपर एक सवेर किस्म की होस्ट इम्यूनिटी ने एक्ट किया जिसकी वजह से वो टिश्यू भी डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा का पूरा नेक्रोज हो गया और ग्रैनुलोमास इसको सराउंड कर रहे हैं। स्ट्रक्चरलेस एमॉर्फस मटेरियल, ये केजिएशन नेक्रोसिस। और जब हम ZN स्टेन करेंगे तो हमें AFBs मिलेंगे। यूजली लूपस वल्गैरिस में AFB पॉपुलेशन ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि बहुत कम बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि पॉसी बैसिलरी है ना, जो मल्टी बैसिलरी फॉर्म होगी लाइक शैंकर, लाइक लाइक ऑरिफिशियल टीबी, उसके अंदर आपको ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मिल जाएंगे, लेकिन जनरली लूपस वल्गैरिस में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और जब हम ZN स्टेन करते हैं टू पिक अप माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो ये आपको जहन में सबको रहना है कि ये स्लाइड ऑयल इमर्शन लेंस में देखी जाती है। ऑयल इमर्शन लेंस माइक्रोस्कोप में 100 मैग्निफिकेशन वाले लेंस को कहते हैं, और जब हम 100 मैग्निफिकेशन का लेंस लगाते हैं उसके साथ हम स्लाइड पे एक ड्रॉप डालते हैं सीडार वुड ऑयल का और फिर हम उसको व्यू करते हैं 100 मैग्निफिकेशन में। विदाउट दिस ऑयल जिस मैग्निफिकेशन पे आपको नजर नहीं आ सकता, इसीलिए इसको ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोपी या ऑयल इमर्शन लेंस कहा जाता है। तो जहन में रख लें कि ऑयल इमर्शन लेंस का मतलब है 100 मैग्निफिकेशन पे विद सीडार वुड ऑयल देखना। ओवर 80% ऑफ लेजन्स आर ऑन हेड एंड नेक, पर्टिकुलरली अराउंड द नोज। ये भी बहुत टिपिकल है, हम लूपस वल्गैरिस आमतौर पे फेस में ही डायग्नोज करते हैं। और दूसरा एक टिपिकल ये है कि यूजली एक सॉलिटरी लेजन, मल्टीपल लेजन्स बहुत कम होते हैं। इनिशियली स्मॉल रेडिश ब्राउन फ्लैट प्लाक ऑफ सॉफ्ट ऑलमोस्ट जेलेटिनस कंसिस्टेंसी, लेजन ग्रेजुअली बिकम्स एलिवेटेड इनफिल्ट्रेटेड ब्राउन एंड ग्रोज बाय स्लो पेरिफेरल एक्सटेंशन विद एरियाज ऑफ एट्रोफी। नाउ ये एप्पल जेली नोड्यूल का जो मैंने आपसे जिक्र किया, डायोस्कोपी एक यूजफुल टेक्निक है जो आपने एग्जाम में तमाम ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन के केसेस में डिमॉन्स्ट्रेट करनी है। इसके नंबर होंगे, अगर नहीं करेंगे आपके नंबर क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कटेंगे। और इट्स अ सिंपल टेक्निक, आपने उस ग्रैनुलोमेटस लेजन को डायोस्कोपी की मदद से प्रेस करना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर तो ये है लीशमिनियसिस तो आपको एप्पल जेली नोड्यूल्स नहीं नजर आएंगे, अगर सार्कोइडोसिस है या लूपस वल्गैरिस है तो नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे, ये आप देखें कि इस जहां पे हम डायस्कोपी कर रहे हैं वहां पे कुछ गोल गोल एरियाज ये 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 जब हम प्रेस कर रहे हैं तो वो एरिया वायलेशियस सा या ब्लूश कलर का हो जाता है। और ऐसा वैसे अगर आप डायस्कोपी ना करें तो वो इरिथीमा है, प्लेन इरिथीमा है, एक प्लाक है उभरा हुआ है। जब आप प्रेस करेंगे तो उसी प्लाक में आपको छोटे छोटे एरियाज ऐसे नजर आएंगे कि जैसे कि वो ब्लूइश एरियाज, जैसे कि यहाँ पे आपको ये दो तीन जगह पे 1, 2, 3, 4 ये ब्लूइश एरियाज हैं जो एप्पल जेलीज कहलाते हैं, जैसे कि एप्पल जेलीज पड़ी हुई हैं इस लीजन।
lupus vulgaris, five general factors: plaque form, ulcerative or mutilating form. मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है. द नेम ऑलरेडी सेज एवरीथिंग. वेजिटेटिंग फॉर्म, ये अल्सरेटिव फॉर्म नहीं है, ये प्लाक फॉर्म या वेजिटेटिंग फॉर्म हो सकता है. ये इसमें आप देखें देयर इज लॉट्स ऑफ स्कारिंग इन्वॉल्व हियर, और यहाँ पे डीडी में डीएलई भी हो सकता है. दिस इज एन अल्सरेटिंग एंड म्यूटिलेटिंग फॉर्म, दिस इज अ वेजिटेटिंग. तो इस तरह का जो वरुकस लेजन आपको ओरोफेशियल एरिया पे होगा तो उसमें भी लूपस वल्गैरिस का जहन में होना चाहिए. ट्यूमर लाइक फॉर्म, पेपुलर और नोड्यूलर फॉर्म लाइक मिलरी लूपस और म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट. तो बेसिकली जो प्लाक फॉर्म है बेसिकली अल्सरेटिव फॉर्म है और वरुकस फॉर्म है और ट्यूमर लाइक फॉर्म. और पेपुलर नोड्यूलर मतलब मल्टीपल लेजन अकर साइमल्टेनियसली मिलरी लूपस की फॉर्म. Raised tumor-like squamous cell carcinoma can set in a long-standing lupus vulgaris या किसी भी long-standing infection में SCC हो सकता है. Long period of indolence, scarring, contracture, tissue destruction, squamous cell and less commonly BCC can occur. Diagnosis, histological features and culture results result will differentiate from lupus vulgaris from deep mycosis and leishmaniasis. Nodule of sarcoidosis resembles grains of sand rather apple jelly. मतलब ये सोच सकती है sarcoidosis में जो apple jelly nodules हैं वो इस form के नहीं होंगे, वो छोटे छोटे sand grains की तरह से, बड़े बड़े nodules jelly type वो lupus के होते हैं. A therapeutic trial of anti-TB may be considered when useful if the diagnosis is difficult. Or as in all tuberculosis, a clinical response should be evident in 4 to 6 weeks. अगर 4 से 6 हफ्ते में आप पेशेंट को टीबी दे रहे हैं, 2 महीने की आपने ट्रीटमेंट दे दिया और उसका लिजन टस से मस नहीं हो रहा, तो आप ये समझ लें कि आप गलत डायग्नोसिस पे. फॉरन डायग्नोसिस रिविजिट करें और दोबारा बायोप्सी करें और टेस्ट कराएं. हो सकता है कि पेशेंट को डीप माइकोसिस हो या उसको लीशमीनियसिस. तो 2 महीने में एक लूपस वल्गैरिस के लेजन को कम से कम 50% ठीक हो. ट्रीटमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड ट्रिपल एंटी टीबी थेरेपी शुड बी गिवन. आइसोनियाज़िड इन पास हैज बीन यूज्ड इन मोनोथेरेपी बट दिस नाउ इज नॉट डिस्क्राइबल. ट्रिपल नहीं, अब तो 4, अब तो मतलब सिर्फ बच्चों में ट्रिपल होती है, लेकिन बड़ों में तो हम 4 ड्रग्स ही देते हैं आजकल. उसका मैं भी जिक्र करता हूँ, ये मेरे ख्याल एक पुरानी स्लाइड थी. This form of tuberculosis is a result of hematogenous dissemination from primary focus resulting in single or multiple lesions. It is seen particularly in malnourished children and in patients who are completely immunosuppressed. Histopathological features are those of tuberculous granulation tissue with necrosis and abscess formation, and tubercle bacilli are present in abundance. Tuberculous gamma present either as a firm subcutaneous nodule or as a fluctuant abscess that may break to form an undermined ulcer with signs. Extremities are affected. Culture is easy because bacteria, multibacillary disease. Granuloma nahi honge. Sir, aapne bataya ki agar 50% 2 months ke treatment ke baad 50% should be improved na in case 2 months ke treatment ke baad. जी अगर नहीं इम्प्रूव हो रहा तो वो रॉन्ग डायग्नोसिस की तरफ जाएगा. एंड इट कैन बी लीशमेनियासिस, और सेकंड क्या बताया था आपने सर, या तो लीशमेनियासिस हो सकता है या फिर डीप माइकोसिस. दो आपने डीप माइको और भी हो सकते हैं, मतलब कहने को तो जो ग्रैनुलोमेटस लीजंस हैं उसमें तो सार्केडोसिस भी आता है, उसके अंदर सिफिलिटिक गमा भी आता है. ये सारे डिफरेंशियल्स हैं. Excuse me, sir, ये भी तो हो सकता है कि जो treatment response है वो इस वजह से नहीं आ रहा कि drug resistance है. ये भी हो सकता है, इसमें भी ये भी possibility आप रख सकते हैं कि MDR TB है जो effect कर रही है, तो हमने ज़रे MDR TB की अलग strategy होगी. तो ये भी हो सकता है कि अगर आप उसका gene expert कराएं, शुरू में ना करवाएं, उस वक्त कराएं कि अगर response नहीं आ रहा. gene expert में अगर आपको report मिल गई कि ये rifampicin resistance है तो फिर आप MDR TB के line पे treat करें. ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है. करेक्ट सर, ये जो मेटास्टैटिक
कैप्सिस वाला टीबी है, इसके अंदर जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो दैट बी एन एक्टिव टीबी है या लेटेंट, लाइक सम प्राइमरी पल्मोनरी टीबी है तो एक्टिव होगा पेशेंट को एंड देन इट स्प्रेड्स, एक्टिव नॉट लेटेंट. ओके, जब वो बैक्टीरिया फेंक रहा है तो वो लेटेंट नहीं है. लेटेंट टीबी वो है कि जिसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस स्किन में मौजूद है, बॉडी में मौजूद है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा, दैट इज अ लेटेंट टीबी. जब वो बैक्टीरिया एक्टिव है, फैल रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, लंग्स इफेक्ट कर रहा है, इंटेस्टाइन इफेक्ट कर रहा है, स्किन पे हेमेटोजेनस फेंक रहा है, तो वो एक्टिव टीबी है. ठीक है, थैंक यू. नाउ वी आर डिस्कसिंग द ड्रग थेरेपी इन क्यूटेनियस टीबी. ट्रीटमेंट ऑफ क्यूटेनियस टीबी शुड फॉलो द सेम ड्रग रेजीम एज फॉर द सिस्टेमिक ट्यूबरक्लोसिस. NICE 2011 guideline recommend that treatment of all patients should be supervised by physician. WHO advocates dot therapy, directly observed therapy, as a part of overall strategy in aim to increase treatment completion rate to over 85%. Fixed dose combination tablets should be used to improve adherence and prevent monotherapy, which can lead to acquired drug resistance within weeks in active tuberculosis cases. Ab to monotherapy ki baat bilkul hi out of question. लेकिन अब ये है कि एक जमाना था कि जब ये प्रपोज किया जाता था कि आप दवाइयों को अलग अलग दें, लेकिन अब ये प्रपोज किया जाता है कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दें. और इवन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन WHO की जो फ्री ट्रीटमेंट फॉर्म में आ गई हैं, और अब तो टीबी की फ्री ट्रीटमेंट मिलती है पेशेंट्स को. आप सबको इसके बारे में इल्म होगा, इसलिए कई दवाइयां मार्केट से शॉर्ट हो गई हैं क्योंकि दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. द स्टैंडर्ड रेकमेंडेड रेजिम इज फॉर 6 मंथ्स विद फोर फर्स्ट लाइन ड्रग्स. एवरीवन ऑफ यू शुड नो दैट रिफैम्पिसिन, आइसोनियाज़िड, इथेनब्यूटोल, पाइरेज़िनामाइड फॉर 2 मंथ्स फॉलोड बाय 4 मंथ कंटिन्यूएशन फेज विद रिफैम्पिसिन एंड आइसोनियाज़िड. 4 मंथ रेजिम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग ससेप्टेबल ट्यूबरक्लोसिस. 4 मंथ रेजिम for treatment of drug susceptible tuberculosis incorporating moxifloxacin and showed it to be inferior to the standard 6. acha ye main aapko ek zikr kyun, ek tarika of naya ijaad hua ki jisme ye kaha gaya ki 4 mahine ke 6 mahine ke bajaye we treat this TB with 4 month treatment. aur jo 4 month treatment hoga usme ye hoga ki hum moxifloxacin ko add kar denge 4 drugs mein. लेकिन जो जिस आर्टिकल को ये कोट किया जा रहा है उसमें ये जो स्ट्रेटजी थी कि मेकिंग इट अ 4 मंथ ट्रीटमेंट बाय एडिशन ऑफ मॉक्सीफ्लोक्सासिन शोड टू बी इंफीरियर टू द स्टैंडर्ड 6 मंथ रेजिम. तो ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए कि ऐसा ट्रायल भी हो चुका है कि जो जिसने फेल कर दिया इस ट्रायल को. देयर आर 10 न्यू एंड रीपर्पज्ड एंटी टीबी ड्रग्स करेंटली इन लेट फेज ऑफ क्लिनिकल डेवलपमेंट. In December 2012, a new compound with the name of Bedaquiline was approved in MDR tuberculosis by US FDA. Bedaquiline is the first new drug approved for tuberculosis treatment in many years. So, is dawai ka naam yaad rakhein, ye new development ka sawal hai ki what is new? Ek to ye aur ek ye cheez, Bedaquiline. डोजेस क्या हैं इसमें नहीं जाऊंगा, ये आपको मालूम होना चाहिए. ऑल ड्रग्स आर टेकन एम्प्टी स्टमक वंस अ डे इन द मॉर्निंग. कॉमन साइड इफेक्ट, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी है जो आमतौर पर एल्डरली को होती है, इसके लिए हम पैराडॉक्सिन देते हैं. एवरीबडी ऑफ यू नोज दैट हेपेटाइटिस. रिफैम्पिसिन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं? पाइरेज़िनामाइड कॉज हेपेटाइटिस, इथेनब्यूटोल कॉज विजुअल डिस्टर्बेंस एंड अर्ली रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस. बच्चों में इसलिए अवॉइड किया जाए. HIV पेशेंट इन 2012. अब ये बात हो रही है विद रेफरेंस टू स्टेट्स यूरोपियन कंट्रीज के 1.1 मिलियन 13% ऑफ 8.6 मिलियन पीपल हु डेवलप ट्यूबरक्लोसिस वर्ल्ड वाइड फॉर HIV पॉजिटिव. अफ्रीका में भी ऑफ कोर्स HIV ने ट्यूबरक्लोसिस को रीएक्टिवेट कर वो इन्फेक्शन के जो लोगों की इंटरेस्ट है खत्म हो चुका था. HIV के आने के बाद लोगों में एक नया इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है ट्यूबरक्लोसिस. ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस में इंटरैक्ट विद सम ऑफ द एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स. डेटा इन 2011 शोज ट्रीटमेंट आउटकम्स फॉर HIV पॉजिटिव ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट कंटिन्यू टू बी वर्स देन दोज विद
HIV नेगेटिव ट्यूबरक्लोसिस के, ट्रीटमेंट भी खराब हो जाता है. डेथ रेट वॉज 19% अमंग HIV पॉजिटिव ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट कंपेयर टू 3% अमंग HIV नेगेटिव ट्यूबरक्लोसिस. अब आ गई हमारी MDR. MDR इज रेजिस्टेंट टू रिफैम्पसिन एंड INN. कहते हैं कि जो रिफैम्पसिन का रेजिस्टेंस होगा उसको INH का रेजिस्टेंस भी होगा. इसलिए जो जीन एक्सपर्ट टेस्ट है वो रिफैम्पसिन रेजिस्टेंस डिटेक्ट करता है, INH रेजिस्टेंस डिटेक्ट नहीं करता. MDR TB इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज देर इज अ लॉस ऑफ बोथ मेन बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स isoniazid and main sterilizing drug rifampicin. Such patients who are sputum smear positive remain infectious for much longer and have higher death rate from a lower and a lower cure rate. In 2010, WHO endorsed the first rapid molecular test that can be used simultaneously to test for pulmonary tuberculosis and rifampicin resistance. Ye gene expert ke bare mein baat ho raha hai. The strain yes. resistant to at least extensively drug resistant tuberculosis ka hai, isko XDR TB kehte hain. Isme ek aur beat aa jaye, at least 3 of the 6 major classes of second line drugs. Estimated 9.6% of MDR are extremely drug resistant TB. Ideally treatment should ye mujhe Ideally, treatment should be प्लीज म्यूट करें, आपको मुझे नजर नहीं आ रहा है आप कौन है जो आवाज आ रही है. अच्छा, आइडियली ट्रीटमेंट शुड बी कैरिड ओनली बाय एक्सपीरियंस. अब नाउ MDR TB और एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात हो रही है. Treatment should be carried out by experienced physician in hospitals with appropriate isolation facilities in consultation with appropriate mycobacterial reference laboratory. The standard 6-month regime is effective in treating cutaneous tuberculosis. A modification dermatology practice. Dermatology. Acha, ye jo MDR aur TB ki जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है क्या है वो हमारे रूप में डिस्कस नहीं है, वरना इसकी और अल्टरनेट ड्रग्स हैं कि जिनको आपने पढ़ना है कि MDR TB में कौन कौन सी ड्रग्स यूज होंगी और स्ट्रेटेजी क्या होगी, उसके प्रोटोकॉल्स हैं. मॉडिफिकेशन फॉर डर्मेटोलॉजिकल प्रैक्टिस. यूजली 6-month ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव. एक्सिजन ऑफ स्मॉल लेजियंस और लूपस वल्गारिस और वाटरी TB may be recommended. Surgery is also helpful in scleroderma, shortening the time need for chemotherapy. Plastic surgery bhi chahiye baaz dafa. Tuberculosis confined to skin usually respond well to multiple therapies and a clinical response is seen within 4 to 6 weeks, with lupus vulgaris showing faster response time than scleroderma. BCG vaccination ki kya ahmiyat. BCG vaccine for prevention of tuberculosis is almost 100-year-old. Calmette Guerin developed this vaccine in 1908 and was finally tested in 1921. BCG vaccine protects against severe form of tuberculosis in children, that is tuberculosis meningitis and medullary tuberculosis, and efficacy in preventing pulmonary tuberculosis in adults is highly variable. Agar se immune response to launch hogi, lekin BCG vaccine adults mein pulmonary TB ko rokne ke liye इतनी इफेक्टिव नहीं है, और स्किन टीबी के लिए तो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं. तो आप ये समझें कि BCG वैक्सीनेशन की कोई खास अहमियत नहीं है टू प्रिवेंट द स्किन टीबी. थेरेप्यूटिक यूज ऑफ BCG. इट इज यूज्ड एज इम्यूनोथेरेपी इन मैनेजमेंट ऑफ सुपरफिशियल एंड इन साइटू ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर. Primary infection of glands penis by Mycobacterium bovis BCG has been described after an intravesical BCG treatment. BCG ko plantar warts mein bhi treat kiya gaya hai, or it can also be used as an immunotherapy for melanoma.
अब क्योंकि बायोलॉजिक्स बहुत कॉमनली यूज किए जा रहे हैं हम, तो अब ट्यूबरक्लोसिस बायोलॉजिक्स की यूज की वजह से भी एक तरह से दोबारा एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हो गया है लोगों का. ह्यूमन नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इज एन इंटीग्रल पार्ट इन पाथवे लीडिंग टू ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस, एंड ब्लॉकेज ऑफ दिस फैक्टर वुड लॉजिकली लीड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन. रीएक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड अकरेंस ऑफ डिसेमिनेटेड डिजीज आर ऑल रिस्क विद एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा एजेंट. ऑल्दो मोस्ट रिपोर्ट्स आर रिलेटेड टू इन्फ्लिक्सिमैब, the risk with etanercept is relatively low. Monoclonal anti-tumor necrotic factor alpha antibody seem more likely to reactivate latent tuberculosis infection. Malaria TB has been reported. तो वो ये बात अगर जो पहले भी कर दी थी हमने, लेकिन दोबारा इसमें इस स्लाइड में भी वो हो गई. Now we reach to tuberculosis. मैंने ना आपको sorry sir interruption. Sir एक question है. सर जो ये बायोलॉजिक्स जो इंटरल्यूकिंग 17 पे जाके जिसका इफेक्ट करती हैं सर, उसके लिए वो उसका क्या रोल है सर टीबी के अंदर? देखो जो सोरेसिस है ना, सोरेसिस इज TH1 रिस्पांस. जी सोरेसिस इज TH1 रिस्पांस. TH1 रिस्पांस का जो स्टार्ट है ना वो है TNF अल्फा से. TNF alpha, then interferon gamma, then interleukin 12, then interleukin 1, interleukin 2, interleukin 17, ये सारे के सारे cytokines बाद में आते हैं. आप समझे इनका जो primary जो start है ना, जो pathway इन cytokines का, वो tumor necrotic factor alpha है. अगरचे interleukin 17 या interleukin 13 की selectivity इन cytokines पे है, लेकिन चूंकि ये साइटोकाइंस अल्टीमेटली वहां से निकलते हैं, तब भी ऑल्दो उतना डेंजरस नहीं है जितना डेंजरस प्योर ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर्स. लेकिन फिर भी जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से तमाम बायोलॉजिक्स में बिफोर द स्टार्ट ऑफ बायोलॉजिक्स आपने क्वांटिफिरॉन गोल्ड टेस्ट कराना है. अगर तो पॉजिटिव है तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन. इंटरल्यूकिन 17 एंटागोनिस्ट की भी है, इंटरल्यूकिन 13 एंटागोनिस्ट. सर अगर हम प्रोफाइलेक्टिक उसको एटीटी स्टार्ट करवाएं तो सर? मेरा ख्याल है इसके बारे में, क्योंकि ये कोई इतना छोटा टॉपिक नहीं है और इसके ऊपर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होंगे, शायद कहीं पे ये लिखा भी हो कि प्रोफाइलेक्टिक टीबी आप स्टार्ट कराएंगे जब क्वांटिफिरॉन पॉजिटिव आएगा. किस वक्त? जी सर आइग्रा पॉजिटिव. जब पॉजिटिव आएगा तो प्रोफाइलेक्टिक क्यों होगी? वो तो ट्रीटमेंट होगा. या तो हमें सर आइग्रा लेटेंट टीबी, अगर लेटेंट टीबी उसकी पॉजिटिव आती है. लेटेंट टीबी ने तो एक्टिवेट होना है जब ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा देंगे. लेटेंट टीबी को तो डिटेक्ट करना है कि वो नहीं होनी चाहिए. अगर आपको ऐसी क्या अजाब आया है कि आपने बायोलॉजिक ही देने और पेशेंट को खराब ही करना है, मैं प्रोटोकॉल नहीं जानता, आपने पढ़ लेना है. हो सकता है किसी प्रोटोकॉल में ऐसी बात लिखी हो कि जो मेरी बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से इट्स एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कि अगर आपको टीबी डिटेक्ट हो गई और आप बायोलॉजिक, आप पहले टीबी ट्रीट करेंगे. जब टीबी ट्रीट हो जाएगी उसके बाद आप बायोलॉजिक, नॉट बिफोर दैट. एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन. अच्छा अब मेरी हो गई है बात और ये लेक्चर अभी भी कंटिन्यू है. ट्यूबरक्लोसिस भी रह गए हैं और एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया भी रह गए. या तो हमें काइंडली म्यूट कर लो. मैंने कहा कि मैं अब इसके ज्यादा आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला क्योंकि मेरे में अब हो गई है बस. तो वैसे इस टॉपिक इस लेक्चर में ना ट्यूबरक्लोसिस भी रह गए हैं और एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया भी रह गए. अब एक तो प्रपोजल ये है कि ये दो में रह गया लेक्चर, ये मैं मंडे को कर लूंगा, स्लाइड सेशन नहीं होगा और ये लेक्चर कंटिन्यू होगा. और या फिर ये कि अगले वेडनेसडे को मैं इसी को कंटिन्यू करूं, या फिर अगले वेडनेसडे को नया टॉपिक करें. ये जो भी होगा ना ये आपने मुझे बताना है और ये फोरम में, और फिर मैं वैसे ही करूँगा. आज मैं इस पर ख़त्म कर रहा हूँ. ट्यूबरक्लोसिस या खुद कर लीजिएगा या फिर मुझे कहिएगा तो मैं मंडे को करूँगा, या फिर
अगर स्लाइड सेशन मंडे को कराना है तो मैं फिर अगली वेडनेसडे को करूंगा, तो फिर वैस्कुलाइटिस का जो टॉपिक है वो फिर उसके अगले वेडनेसडे को, तो भी आप मंडे को कंटिन्यू कर लेंगे सर। मेरा स्लाइड सेशन मस्ट करें, इसको खत्म कर ले मंडे, मंडे को करके इसको खत्म कर ले सर, इसको नेक्स्ट वेडनेसडे करेंगे, नेक्स्ट वेडनेसडे को कर लेंगे स्लाइड सेशन जारी रखेंगे सर, हम खुद पढ़ लेंगे सर, हम खुद पढ़ लेंगे। आप क्यों ऐसा करते हैं कि आपको ये मैं टास्क देता हूं कि आप लोग यूवरक्लीड और जो है ना, अच्छा चलो थोड़ी सी हिम्मत करता हूँ, कुछ कुछ तरह तेजी से चलाता हूँ इसको खत्म करने को। देखो यूबरक्लीड्स क्या है, माइक सबके म्यूट करें, माइक म्यूट करें, सबके ऑन करें, जिन्होंने मुझसे बात करने के लिए माइक ऑन किए वो बंद कर दें जरा प्लीज। अच्छा जी चलो, क्योंकि मसला बहुत पड़ गया है, गंभीर हो गया है। ट्यूबरक्लीड्स जो है ना उसकी ये चीजें याद रखें, ट्यूबरक्लीड आर एक्सप्लेन्ड एज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और इट्स प्रोडक्ट इन अ पेशेंट विद सिग्निफिकेंट इम्यूनिटी। इसको आप इम्यूनोलॉजिकली ड्राइव रिएक्शन भी कह सकते हैं या आइड रिएक्शन भी कह सकते हैं टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहीं भी हो सकता है। और चार मेजर फीचर्स हैं ट्यूबरक्लीड्स के, कि एक तो पॉजिटिव ट्यूबरक्लिन टेस्ट होगा, इसका मतलब है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज देयर इन द बॉडी। There is an evidence of past tuberculosis. Positive response होगा tuberculates में भी anti-TB का, और अगर हम tuberculate के skin lesion की biopsy करेंगे तो वहां पे bacteria नहीं मिलेगा, bacteria नहीं होगा, culture negative होगा, लेकिन PCR positive हो सकता है फिर भी। तो tuberculate में generally ये rule है कि TB कहीं पे मौजूद है, positive tuberculin test है, अच्छी response to anti-TB है, और लीजन के अंदर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मौजूद नहीं है। तीन चार तरह के ट्यूबरक्लीड्स होते हैं, माइक्रोपेपुलर है लाइकन स्क्लेरोफोरम, पेपुलर है पेपुलो नेक्रोटिक, और नोडुलर है एरिथीमा इंड्यूरेटम। लाइकन स्क्लेरोफोरम जो है ये माइक्रोपेपुलर फॉर्म है, बाकी फीचर उसके अंदर वही होंगे। और पैथोलॉजी में द ग्रैनुलोमास विल बी सराउंडिंग हेयर फॉलिकल्स एंड स्वाइट डक्ट्स, कोई केजिएशन नहीं होगी। जो जो ग्रैनुलोमास हैं लाइकन स्क्लेरोफोरम में दैट इज सराउंडिंग द हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल के सराउंडिंग ग्रैनुलोमा की दो कॉजेज और हैं। एक तो है मजोकी ग्रैनुलोमा, लिख लें, मजोकी ग्रैनुलोमा में फंगस होता है फॉलिकल्स के अंदर और उसके गिर्द ग्रैनुलोमेटस इन्फिल्ट्रेट होता है। और एक और कॉज जो है वो है एक्नी एग्मिनेटा या ग्रैनुलोमेटस रोजेशिया, दोनों अब एक ही टर्म यूज की जाती है। तो अगर कभी मैं ही पूछूंगा और तो शायद कोई ना पूछे, या शायद कोई पूछ ले कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पेरी फॉलिकुलर ग्रैनुलोमास, तो उसमें आपने ये तीन नामों का जिक्र करना। अच्छा जी डायग्नोसिस में करते हैं, इसके अंदर डिफरेंशियल में लाइकन निटिडस भी आएगा, मिलियेरिया प्रोफंडस भी आएगा, इसके डिफरेंशियल में लाइकन पैनोपाइलेरिस भी आएगा, इसके डिफरेंशियल के अंदर केराटोसिस पाइलेरिस भी आएगा। लेकिन इसकी टिपिकल फीचर ये होता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं पे एन्युलर कॉन्फ़िगरेशन में होगा। लाइकन स्क्लेरोफोरम के लीजन्स, नंबर एक ये लीजन्स फॉलिकुलर नहीं है, ये पेरीफॉलिकुलर हैं, और दूसरा ये कि ये एन्युलर डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका एक टिपिकल पॉइंट है। पेपुलो नेक्रोटिक टीबी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसमें नेक्रोटाइजिंग पेप्यूल्स बनते हैं ऑन द एक्सट्रीमिटीज विच हील विद वेरिलिफॉर्म स्कारिंग। जिसमें ना आपकी ग्रैनुलोमास बनते हैं, वो सोया नहीं, ग्रैनुलोमास बनते हैं, म्यूट हो जाएं जी, बस खत्म कर रहे हैं।
और इसमें एक खास बात ये होगी क्योंकि पेपिलो नेक्रोटिक टीबी है, क्लिनिकली देयर आर नेक्रोटिक लीजन, तो इसमें जो नेक्रोसिस एपिडर्मल नेक्रोसिस भी होगी जिसको हम कहेंगे वी शेप नेक्रोसिस, जो एपिडर्मस का ऊपर का हिस्सा है वो नेक्रोस्ड होगा और नीचे ग्रैनोमास बनेंगे। ये पेपिलो नेक्रोटिक टीबी ये टिपिकल साइट है लेकिन लेग्स के अलावा और जगहों पे भी हो सकती है। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप ने अगेन प्रीवा या रिएक्टिव परफोरेटिंग कोलेजिनोसिस या इस किस्म के नेक्रोटिक पेपिलो नेक्रोटिक लीजंस को सोचना है। एरिथेमा इंड्यूरेटम या नोड्यूलर टीबी, ये नोड्यूलर टीबी की फॉर्म है जिसमें रिकरेंट नोड्यूल्स और अल्सरेटेड लीजन्स बनते हैं और इसके अंदर बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ पैनिकुलाइटिस विद वैस्कुलाइटिस। ये जो नोड्यूलर टीबी है ये डीप इन्वॉल्वमेंट होती है ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया इनकी ग्रैनुलोमास की और ये बहुत सेप्टल और लोबुलर दोनों पेनिकुलाइटिस इसके अंदर होता है लेकिन खास बात यह है कि इसके अंदर वैस्कुलाइटिस भी होता है। तो नोडुलर वैस्कुलाइटिस और एरिथेमा इंड्यूरेटम ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज की जाती हैं, नोडुलर वैस्कुलाइटिस और एरिथेमा इंड्यूरेटम ऑफ फेजन, बेसिकली मीडियम वेसल्स का वैस्कुलाइटिस। तो अगर तो सिर्फ वैस्कुलाइटिस है मीडियम वेसल्स का विथ सेप्टल एंड लोबुलर इन्फ्लेमेशन तो हम नोडुलर वेस्कुलाइटिस कहते हैं, अगर इसके अलावा ग्रैनुलोमास भी हैं तो फिर हम उसको एरिथेमा इंड्यूरेटम कहते हैं। ये एक फर्क याद रखें हिस्टोलॉजिकल। पेपिलो नेक्रोटिक टीबी में मल्टीपल छोटे पेपिलर नेक्रोटिक लेजन्स थे, एरिथेमा इंड्यूरेटम में लार्ज नेक्रोटिक लीजन्स विद अल्सरेशन है। ये इस वक्त इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्यूटेनियस पैन भी आ रहा है, अदर ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन भी आ रहे हैं जैसे माइक्रोबैक्टीरियम मैरिनम अल्सरेंस एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरिया डी फंगल, इस तरह के तमाम चीजें इसके डिफरेंशियल में आएंगी लेकिन पेपिलो नेक्रोटिक वाले डीडीज नहीं होंगे। इन सबके डायग्नोसिस के अंदर वही तरीका है जो हम टीबी का डायग्नोसिस करेंगे और ट्रीटमेंट में फुल एंटी टीबी ट्रीटमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द रेकमेंडेड गाइडलाइंस। कुछ और टाइप के भी सर एक मेरा क्वेश्चन था पूछो सर, मैंने ये पूछना था कि अगर ये जो ट्यूबरकुलेट्स हैं उनके अंदर पास हिस्ट्री या टीबी की एक्टिव टीबी नहीं है तो फिर क्यों एटीटी का रिस्पांस आ रहा है? एक्टिव टीबी है, एक्टिव टीबी की किसने कहा पास हिस्ट्री है? क्राइटेरिया में ये था कि पास हिस्ट्री एक्टिव टीबी, पास हिस्ट्री ऑफ टीबी, एविडेंस ऑफ पास्ट ट्यूबरकुलोसिस, पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट, पास्ट एविडेंस ऑफ पास्ट टीबी हो या एक्टिव टीबी हो दोनों सूरतों में। ये नहीं है कि ट्यूबरकुलीट्स के अंदर टीबी होनी नहीं है, मतलब पास्ट में टीबी होनी चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टिव टीबी नहीं होनी चाहिए, ये कहीं नहीं है। एक्टिव भी हो सकती है, लेटेंट भी हो सकती है, पास भी हो सकती है, लेकिन टीबी जरूर होगी उसमें कहीं ना कहीं। आमतौर पे देखो आमतौर पे जो ट्यूबरकुलीट्स हैं ये इम्यूनोलॉजिकली डिराइव रिएक्शंस, जैसे कि आप टीनिया पीडस में पॉम्फ्लेक्स देखते हैं ना, ये नहीं होता कि पॉम्फ्लेक्स होता है और टीनिया पीडस नहीं होता, तो उस सूरत में तो फिर इसका वेजिकुलर एक्जिमा वो तो डी नोवो एक डिजीज बन जाएगी। बीमारी मौजूद होगी तो इम्यूनोलॉजिकली ड्राइव रिएक्शन पैदा हो, अगर बीमारी होगी नहीं तो इम्यूनोलॉजिकली ड्राइव रिएक्शन कैसे पैदा हो? तो इसलिए ये चीज याद रखें कि ट्यूबरकुलीट क्योंकि इम्यूनोलॉजिकली ड्राइव रिएक्शन है, इम्यूनोलॉजिकली ड्राइव रिएक्शन है, इसलिए टीबी की मौजूदगी कहीं ना कहीं पे होनी जरूरी है। अगर वो नहीं होगी तो माइक्रोबैक्टी तो ट्यूबरकुलीट्स नहीं होगा। ठीक है सर, क्योंकि देखे ना अच्छा फोर्थ क्राइटेरिया ये है कि एब्सेंस ऑफ वेसल एंड स्किन बायोप्सी और कल्चर। कौन सा बायोप्सी, कौन सी बायोप्सी, कौन सी बायोप्सी, किस जगह की बायोप्सी?
अगर आप लाइकन स्क्लेरोसोरम से बायोप्सी करते हैं, अगर आप पेपलो नेक्रोटिक टीवी से बायोप्सी करते हैं, अगर आप इरिथीमा इंड्यूरेटम से बायोप्सी करते हैं, तो आपको बायोप्सी में बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे। ये बात कोई लूपस वल्गैरिस की तो नहीं हो रही, ये बात कोई स्क्लेरोफ्लोडर्मा की तो नहीं हो रही, ये कोई ट्यूबरकुलस गमा की बात तो नहीं हो रही, ये तो ट्यूबरक्लीट की बायोप्सी की बात हो रही है ना। जो इम्यूनोलॉजिकली ड्राइव रिएक्शन हैं वहां पे आमतौर पर बैक्टीरिया नहीं मिलते। ठीक है, ये जहन में रखें कि ट्यूबरक्लीट्स आर इम्यूनोलॉजिकली ड्राइव रिएक्शन। जब तक टीबी नहीं होगी कहीं ना कहीं ट्यूबरक्लीट्स भी नहीं होंगे, और टीबी कहीं ना कहीं होगी तो पॉजिटिव ट्यूबरक्लिन टेस्ट भी होगा और रिस्पॉन्स टू एंटी टीबी भी होगी। जब आप कॉम्प्लेक्स को ट्रीट करते हैं टीनिया पीडस के लिए, तो आप बेसिकली टीनिया पीडस को ट्रीट करते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली ठीक होता है। इस तरह से आपने टीबी को ठीक करना है, पेपलो नेक्रोटिक सॉरी ट्यूबरक्लीट ऑटोमेटिकली ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। अब सिर्फ रह गए एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया। कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें खास तौर पे माइकोबैक्टीरियम अल्सरेंस है। माइकोबैक्टीरियम अल्सरेंस की बहुत सारे और चीजों में उसकी मेरिनम इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फिश टैंक ग्रैनुलोमा करता है। इसकी अहमियत यह है कि ये वाटर हैंडलर्स को होती है, और दूसरा ये कि ये स्पोरोट्रिकोइड स्प्रेड करता है, तो इसलिए स्पोरोट्रिकोसिस के डिफरेंशियल में आता है। आमतौर पे जो ट्यूबरक्लीट्स हैं इसकी सेंसिटिविटी डिफरेंट किस्म की एंटीबायोटिक्स है, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाली एंटीबायोटिक रिजीम नहीं है। तो जनरली जो ट्रीटमेंट्स इन तमाम में कहीं ना कहीं फिट होती हैं, उसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, माइनोसाइक्लिन है और रिफैम्पसिन। ये तीन या चार ड्रग्स अगर आपको भूल भी जाए कि मैंने एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम में इस पर्टिकुलर में कौन सी दवाइयां देनी है, तो आपने इन तीन चार ड्रग्स का जिक्र कर देना, क्लेरिथ्रोमाइसिन, माइनोसाइक्लिन और रिफैम्पसिन। ये तकरीबन हर एक में, किसी में कुछ और एडिशन हो सकती है, लेकिन जनरली ये तीन दवाइयां, माइकोबैक्टीरियम मैरिनम इज इंपॉर्टेंट, माइकोबैक्टीरियम अल्सरेंस इज इंपॉर्टेंट, जिसको ब्रूली अल्सर कहते हैं। और ये ना इतना सीरियस इन्फेक्शन है कि ये इवन बोन को इफेक्ट करके इवन एम्पुटेशंस कर सकते हैं। तो इसलिए इसको पढ़ लेना और उसको पढ़ लेना, माइकोबैक्टीरियम मैरिनम को और माइकोबैक्टीरियम अल्सरेंस को। मैरिनम का जैसे इन्फेक्शन जाहिर होता है कि इसमें हमने ना रिफैम्पसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन देना है, और बाज दवा स्ट्रेप्टोमाइसिन की जगह एमिकिन भी दिया जा सकता है। और इसमें तीन चार कैटेगरी हैं, छोटा लीजन है तो सिर्फ एंटीबायोटिक 8 वीक्स की काफ़ी रहेगी, थोड़ा बड़ा लीजन है तो आपने सर्जिकल डिब्राइमेंट करना है 4 हफ्ते के बाद और फिर एंटीबायोटिक देनी है, और अगर बहुत बड़ा लीजन है तो फिर आपने पहले 4 हफ्ते दवाई दे के डिब्राइमेंट करके फिर 8 हफ्ते और दवाई। एक और दवाई का यहाँ पे जिक्र आया है, रेफाब्यूटिन का। रेफाब्यूटिन एक भी रिफैम्पसिन ग्रुप की दवाई है, इसका सेफ्टी प्रोफाइल जरा बेहतर है रिफैम्पसिन। तो मैंने आपको जनरली जो तमाम एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया हैं उनकी जो हिस्टोलॉजी है वो सपोरेटिव ग्रैनुलोमा की है। सेंटर में बैक्टीरिया होगा और सराउंडेड बाय न्यूट्रोफिलिक एब्सेस होगा, और सराउंड उस एब्सेस के गिर्द एक ग्रैनुलोमा हो, ग्रैनुलोमास के एक लाइन होगी, इस तरह से ये एसिड फास्ट बेसलाइन नजर आ रहे हैं। ये हिस्टोलॉजी तकरीबन तमाम एटिपिकल की हो। और ट्रीटमेंट में आपको मैंने ये बताया कि ये तीन चार ड्रग्स को आपने याद रखना, तो हमारा खत्म हो गया जी। ठीक, अब हम वही करेंगे जिस तरह से हम पहले से कर रहे हैं। कोई सवाल है तो पूछ लें, कोई अगर डाउट है तो पूछ लें। चलो, थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज़।